हाय एवरीवन वेलकम बैक टू एकेडमी एकेडमी योन अकेडमी शर्मा योर फ्रेंड योर गाइड हॉप यूर आर फाइन सो हरियाणा जीके की सीरीज में आज हम क्लास नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं और हरियाणा की क्लास नंबर वन डिस्कस करने वाले हैं अब जो तीन चार दिन क्लास होंगी गाइज यकीन मानिए आपके एग्जाम में हंड्रेड हंड्रेड नहीं टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड परसेंट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है क्योंकि आपको पता कोई भी हरियाणा का एग्जाम है हरियाणा पॉलिटी से क्वेश्चन आए इट्स इम्पॉसिबल ठीक है सो आज से हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा पॉलिटी के बारे में और हरियाणा पॉलिटी में जो स्पेशल हम टॉपिक पढ़ेंगे आज हम हरियाणा के सीएम पढ़ेंगे फिर हम राज्यपाल पढ़ेंगे विधानसभा पढ़ेंगे उप, उप मुख्यमंत्री सब पढ़ेंगे हरियाणा पॉलिटी का लगातार तीन चार क्लास बनेंगी है हरियाणा पॉलिटी की ठीक है तो हरियाणा पॉलिटी में सीएम समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक सा बात समझ लो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम ये क्या सीन है समझ नहीं आता आपको पता है एक तो अपना सेंटर होता है जिसको आप केंद्र बोलते हो ठीक है और एक अपना स्टेट होता है ठीक है दो चीजें होती है आपको पता है एक सेंटर है और एक स्टेट होता है तो सेंटर में आपने सुना होगा राष्ट्रपति होता है तो जो वैल्यू सेंटर में राष्ट्रपति की होती है वो ही स्टेट के अंदर राज्यपाल होता है ठीक है फिर सेंटर के अंदर आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं जैसे मोदी जी हैं उसी तरीके से सेंटर के अंदर मुख्यमंत्री की वैल्यू है ठीक है उसी तरीके से सेंटर में मुख्यमंत्री होते हैं जिस तरीके से स्टेट में प्रधानमंत्री होते हैं फिर प्रधानमंत्री को आपको पता है एमएलए जाते हैं है ना सॉरी एम जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एम चुने जाते हैं एम का इलेक्शन होता है और एम का जो लीडर होता है वही अपना क्या बन जाता है भाई प्रधानमंत्री तो उसी तरीके से उसी तरीके से हरियाणा में उसी तरीके से हरियाणा में एमएलएज होते हैं ठीक है हरियाणा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा में एम होते हैं और एम का जो लीडर कह दो कुछ भी कह दो ठीक है वो होता है मुख्यमंत्री थैंक यू रंजू रेस्ट क्या करना जब तक तुम्हारे टीजीटी दी स्क्रीनिंग के एग्जाम ना हो नो रेस्ट ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया कई बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं मैम ये मुख्यमंत्री का क्या सीन है सेंटर में जैसे राष्ट्रपति की भूमिका है उसी तरीके से स्टेट में राज्यपाल की भूमिका होती है सेंटर में आपको पता है एम के लिए इलेक्शन होते हैं ना पांच साल बाद फिर एम का जो मुखिया होता है जो लीडर होता है वो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है एक्जैक्टली उसी फॉर्म में स्टेट के अंदर एमएलएज के लिए इलेक्शन होते हैं ध्यान रखना आपके सीएम के लिए कभी इलेक्शन नहीं होते आपके पीएम के लिए कभी इलेक्शन नहीं होते इलेक्शन तो इनके लिए होते हैं एमएलए और एम के लिए और जो बहुमत दल का नेता होता है वो क्या बन जाता है वो सेंटर में पीएम बन जाता है तो स्टेट में वो सीएम बन जाता है सारी में में पावर लोगों के हाथ में रहती है। ये तो है। और आपको पता है, ये लोकसभा तो में जो एमपी चुनते हैं वो ही क्या बनाते हैं भाई अपनी सरकार बनाते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं इसी तरीके से यहां पर विधानसभा में जो चुने जाते हैं तो विधानसभा भी आपका एक टॉपिक है विधानसभा में जो चुने जाते हैं वो एम होते हैं और वो क्या बनाते हैं मुख्यमंत्री स्टेट जैसे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा होती है तो स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होती है लेकिन हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है विधान परिषद नहीं है हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जितने भी आपकी जिंदगी में मुख्यमंत्री से लेकर कंफ्यूजन होती है एग्जाम्स में आज वो सारी दूर हो जाएंगी और आज की क्लास में मैंने दिल से बहुत मेहनत किया है बस उम्मीद है अंत में तुम्हें पसंद आ जाए आज की क्लास तो हरियाणा में फिलहाल सबको पता है भाई मनोहर लाल खट्टर है ठीक है ना हरियाणा में आज प्रेजेंट में श्री मनोहर लाल खट्टर जी अपने मुख्यमंत्री हैं अब मेरी बात सुना भाई मैं फ्रेंकली मजे में पढ़ाऊंगी ठीक है तो मैं किसी के नाम के पीछे बार बार जी जी नहीं लगाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या बोल देते हैं किसी का कोई पॉलिटिशियन फेवरेट होता है किसी का कोई किसी का कोई ठीक है आई रेस्पेक्ट ऑल बट सीधी सी बात है जब हम पढ़ाते हैं तो फ्लो में पढ़ाएंगे अब मैं हर किसी के नाम के साथ साथ बार बार जी 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 नहीं पुकारूंगी क्योंकि वो बहुत टाइम अपना कंज्यूम करेगा तो कोई बच्चा इस तरीके कमेंट कर देते हैं थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बोल लो मैडम तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो है तो तो, मतलब इंसान जो सीरीज बनती जा रही है तो उसमें वैसे तो दसवें नंबर के हैं लेकिन भाई मुख्यमंत्री चुने जाने की लिस्ट में बीसवे नंबर के हैं क्योंकि बीसवीं विधानसभा के चुनाव हुए थे ना तो मुख्यमंत्री ये चीज छोटे छोटे पॉइंट्स होते जो आपको ध्यान रखना है ठीक है कि वैसे तो हमारे जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं बीसवे नंबर के चुने गए हैं लेकिन इंसान के रूप में कहने का मतलब मैं ही तीन बार मुख्यमंत्री बन 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 गया 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 मैं 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 ही 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 चार बार बन गया, मैं ही बार बन गया, मैं ही दो बार पांच दो तो अब जैसे आप, आप मनोहर खट्टर जी की लगा लो यही दो बार बन गए इस बार भी बने पिछली बार भी बने हैं तो दो बार तो यही बन गया ना तो इंसान तो एक ही है लेकिन दो बार बन गया तो ध्यान रखना बीसवीं बीसवा मुख्यमंत्री है ये हरियाणा का लेकिन आदमी के रूप में दसवा ही है कहने का मतलब एक एक बंदा एक एक दो दो बार बना हुआ है इस तरीके से तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे जो वेरी फर्स्ट जिसको हम भगवत दयाल शर्मा बोलते हैं शॉर्ट में हम इसको बीडी शर्मा बोल देते हैं रोहतक में कॉलेज है आपको पता बीडी शर्मा कॉलेज इन्हीं के नाम पे है तो सबसे पहले जो अपने मुख्यमंत्री थे वो थे भगवत दयाल शर्मा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मनोनीत हुए थे तो ये आपके मुख्यमंत्री थे भाई भगवत दयाल शर्मा आपको ध्यान रखना है जो कि जिन इनका निर्वाचन क्षेत्र झज्जर है मतलब ये झज्जर से क्या रहे थे भाई एमएलए रहे थे तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है झज्जर है एक एक पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ध्यान रखना इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है झज्जर रहेगा ठीक है झज्जर के मतलब झज्जर से एमएलए बने थे आपको ध्यान रखना और इनका जन्म स्थान क्या है इनका जन्म स्थान है बेरी जो कि मेरा भी जन्म स्थान है इनका जन्म स्थान है बेरी बिकॉज मेरा जो पैतृक गाँव जिसको बोलते हैं वो दुबधन माजरा है तो मैं पैदा बेरी हॉस्पिटल में हुई थी तब दुबलधन में हॉस्पिटल नहीं थे उस टाइम तो ये अपना भी जन्म स्थान है वही है जननी जन्न भूमि स्वर्गति गर्सियात वैसे है ना संस्कृत में एक डायलॉग तो वैसे तो मेरी जन्म स्थल दुबल धन है बट वैसे बेरी है तो याद आ गया भाई कोई बात नहीं तो भगवत दयाल शर्मा बेरी में पैदा हुए थे ठीक है उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं कौन भाई बी डी शर्मा ठीक है इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते रोहतक का जो कॉलेज है वो भी इनसे ही रिलेटेड है आपको ध्यान रखना है जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू कैन मार्क द स्टार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है इनसे जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह ठीक है जो दूसरे मुख्यमंत्री हमारे बने हैं तो दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह राव वीरेंद्र सिंह सबसे पहले आपको याद रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो नांगल पठानी नांगल पठानी जो प्लेस है वो कहां पर है वही रेवाड़ी में ठीक है तो नांगल पठानी प्रवेश रेवाड़ी में है नांगल पठानी जो जगह है तो वो रेवाड़ी में है वहां पर राव वीरेंद्र सिंह का क्या हुआ था जन्म हुआ था रेवाड़ी को जिला बनाने में रेवाड़ी को डेवलप करने में राव वीरेंद्र सिंह का काफी बड़ा हाथ रहा है यहां से एक इंपॉर्टेंट बनेगा इन्होंने हरियाणा में एक पॉलिटिक्स पार्टी को गठन किया था जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जितने भी इनके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो ये कम ये सभी आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन हो जाते हैं तो हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किसने किया था भाई राव वीरेंद्र सिंह ने किया था ध्यान रखेंगे इनका जो निशान था वो उगता हुआ सूरज था सूर्य की तरह उगे कुछ भी कह दो तो हरियाणा की पहली क्षत्रिय पार्टी पूछे किसने विकसित करी किसने गठन किया है तो आपको ध्यान रखना हरियाणा की पहली क्षत्रिय पार्टी बनाने वाले थे राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गौर गो, मतलब गैर कांग्रेसी मंत्री भी थे ये मतलब कांग्रेसी थे पहले गैर कांग्रेसी मंत्री भी थे ये हरियाणा के राव तुलाराम जो कि शहीदी दिवस आपको पता तेईस सितंबर इनके लिए मनाया जाता तो इनके ही वंशज में से थे ये ध्यान रखेंगे और राव वीरेंद्र सिंह की एक खास बात यह भी है तो ध्यान रखना इनको विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था ठीक है फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष वैसे तो महिला शन्नो देवी थी लेकिन पुरुष की बात करें तो पहला विधानसभा अध्यक्ष जो पुरुष बनाए गए थे वो राव वीरेंद्र सिंह को भी बनाया गया था तो आपको ध्यान रखना है पहले पुरुष थे जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे इनके समय में और खास क्या हुआ था इनके समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था भाई पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 से लेके 1968 ठीक है 1967 से लेके 1968 ठीक है पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था इनके समय में ये चीज आपको याद रखना है इनके समय में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था किसके समय में भाई आपके राव वीरेंद्र सिंह के समय में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे भाई वो आपके थे जाकिर हुसैन ठीक है जाकिर हुसैन उस टाइम क्या थे राष्ट्रपति थे तो ध्यान रखेंगे पहला राष्ट्र हरियाणा में तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है कि किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ तो आपको ऐसे करके याद रखने हैं ठीक है तो राव वीरेंद्र सिंह फर्स्ट हो गया फिर तीसरे जो मुख्यमंत्री बनते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बंसीलाल जी बंसीलाल बहुत ज्यादा फेमस है भाई बंसीलाल के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था ये भिवानी से रिलेटेड है ये कहते हैं काफी युवा सीएम बने हैं हरियाणा के इकतालीस वर्ष की उम्र में बाकी पचास के अराउंड बन रहे हैं इकतालीस साल की उम्र में ही हरियाणा के क्या बने हैं सीएम बने हैं आपको ध्यान रखना है बंसीलाल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बंसीलाल की बंसीलाल के बहुत सारे नाम हैं सारे नाम देख लो एग्जाम में आ सकते हैं इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने देश के हैं हरियाणा की बात चल रही है तो इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है हरियाणा का मतलब विकास करने का एक श्रेय जाता है बंसीलाल को हरियाणा में बहुत सारे डेवलपमेंटल जो कार्य किए थे वो चौधरी बंसीलाल ने किए थे तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी है अपने आप में हर घर बिजली पहुंचाने का श्रेय आपको पता 1970 में 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई थी तो ये बंसीलाल के द्वारा की गई थी हरियाणा देश का पहला ऐसा बना था स्टेट जो हर घर बिजली पहुंचा रहा था मतलब हर घर नहीं सॉरी हर गाँव बिजली पहुंचाने का काम किया था बंसीलाल जी ने ठीक है और आर्मी में भी रहे ये वर्ल्ड वॉर के दौरान थोड़ा सा वैसे फैक्ट है खास इंपोर्टेंट नहीं है पंजाबी को खत्म करके तमिल को इन्होंने दूसरी भाषा बनाया अपने टाइम में कि भाई पंजाबी को खत्म करो तमिल को जो है दूसरी भाषा इन्होंने बनाया इनके समय में मतलब एक बार आपातकाल भी लगा था ये रक्षा मंत्री भी बने थे ध्यान रखना ये रक्षा मंत्री भी रहे थे सेंटर में रेल मंत्री भी रहे थे परिवहन मंत्री भी रहे थे ठीक है तो रक्षा मंत्री रेल मंत्री परिवहन मंत्री भी रहे थे सेंटर में कौन भाई बंसीलाल बंसीलाल ने नसबंदी प्रोग्राम भी शुरू किया था इंदिरा गांधी के समय में पुरुषों की जो नसबंदी करवाई जाती है बच्चे पैदा ना हो तो ये नश मतलब जनसंख्या पर रोक लगाने का से कार्यक्रम शराब बंद करने का, का काम किया जनसंख्या पर रोक लगाने का काम का किया बिजली पहुंचाने का काम का किया तो बहुत सारे पॉजिटिव काम करे ठीक है ना और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी वो विशाल पार्टी थी ऊपर ठीक है हरियाणा विकास पार्टी किससे संबंधित है तो हरियाणा का विकास किया बंसीलाल ने तो इसीलिए बंसीलाल की पार्टी हो गई भाई विकास पार्टी तो ऐसे करके आप याद रखेंगे ठीक है जिसका चुनाव चीन लड़का लड़की था तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने समय अपने पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो हरियाणा का बंसीलाल काफी किंग मेकर ये नहीं है बेटा रंजू किंग मेकर भजन लाल को जाना जाता है और सॉरी देवीलाल को जाना जाता है ये नहीं है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं बनारसी दास गुप्ता नेक्स्ट है बनारसी दास गुप्ता जिसको बीड़ी गुप्ता भी कहते हैं बनारसी दास गुप्ता कहा जाता है इनको तो बनारसीदास गुप्ता जो है बेसिकली मानेरू से थे ठीक है भिवानी में प्लेस है मानेरू तो भिवानी के मानेरू से थे कौन भाई बनारसीदास गुप्ता तो आपको ध्यान रखना है बनारसीदास गुप्ता कहाँ से थे भाई हरियाणा के भिवानी के मानेरू से थे बनारसी दास गुप्ता ठीक है तो बनारसी दास गुप्ता आपको याद एक तो ये हरियाणा के भिवानी के मानेरू से थे तीन पद पर रह चुके हैं दस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा का जो तीन पोस्ट पर रह चुका है तो वो कौन कौन सा है भाई ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुका है ये आपका मुख्यमंत्री भी रह चुका है और ये आपका उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है ठीक है तो बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के तीन पोस्ट पर रह चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष भी उप मुख्यमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी रह चुका है आपका बनारसी दास गुप्ता बनारसीदास गुप्ता का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनारसीदास गुप्ता मुख्यमंत्री होने के साथ एक पत्रकार भी थे बहुत अच्छे तो कौन सा मुख्यमंत्री था जो पत्रकार भी था तो वो बनारसीदास गुप्ता थे इन्होंने पत्रिका लिखी थी कौन-कौन सी हरियाणा केसरी ठीक है याद रखेंगे हरियाणा केसरी अपना देश और हरियाणा कांग्रेस पत्रिका तो ये तीन पत्रिका लिखी थी इसने और एक बुक लिखी थी पंचायती राज क्यों और कैसे ठीक है तो ध्यान रखेंगे ये एक पत्रकार भी थे और एक मुख्यमंत्री भी थे कौन बनारसी दास गुप्ता हरियाणा केसरी इन्होंने पत्रिका लिखी अपना देश पत्रिका लिखी हरियाणा कांग्रेस पत्रिका इन्होंने लिखी और पंचायती राज क्यों वह कैसे ठीक है पंचायती राज क्यों व कैसे थिके? तो ये भी किसने लिखी भाई बनारसी दास गुप्ता ने आपको लिखी थी ध्यान रखना इनके समय में दूसरी बार ध्यान रखना पहली बार राव विनेन्द्र सिंह और दूसरे बार बनारसी दास गुप्ता दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो इनके समय में लगा था 1977 में ठीक है 1967 के बाद डायरेक्ट 1977 में क्या लगा था भाई राष्ट्रपति शासन लगा था आपको ध्यान रखना है ठीक है hmm. तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है इसका पॉइंट है आपको ये भी क्या है याद रखना है फिर आते हैं भाई चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल आपको पता है चौटाला पार्टी जो कौन सी पार्टी बोलते हैं नेशनल लोकदल वाली पार्टी है जो चौधरी देवीलाल की पार्टी है तो काफी इंपॉर्टेंट पार्टी है अपने आप में हरियाणा के इतिहास में काफी लंबा कार्यकाल इन्होंने किया है किसानों के मसीहा बोलते हैं देवीलाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए तो इनका जो स्थान था वो सिरसा था चौटाला गांव है ना सिरसा में चौटाला गांव अंतिम गाँव लगभग इसको बोलते हैं तो यहाँ पर इनका ताजेखेड़ा के आसपास क्या हुआ था भाई जन्म हुआ था तो आपको ध्यान रखेंगे तो हरियाणा के मतलब बहुत अच्छा इनको बंदा माना जाता है और लगभग जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनकी उम्र अड़सठ साल की थी तो काफी बड़ी उम्र के मंत्री बने थे ये ठीक है तो काफी बड़ी उम्र के मंत्री बने थे चौधरी देवीलाल ये भी याद रखेंगे स्वतंत्रता सेनानी भी थे इनको जन नायक भी कहा जाता है इनको किंग मेकर भी कहा जाता है ध्यान रखेंगे इनको किंग मेकर कहा जाता है क्योंकि ये बोलते हैं कि ये खुद उपराष्ट्रपति बन जाते हैं और किसी को राष्ट्रपति बना देते तो किंग मेकर की भूमिका इन्होंने अदा करी थी तो जन नायक थे किसानों के मसीहा थे किसानों के नेता थे ताऊ थे ताऊ देवीलाल कहते हैं ना शेर ए हरियाणा कहा जाता है की सेटिंग है, तो घूमते हैं लोग है? तो किंग मेकर जननायक हर शहर में है, लेकिन देवीलाल स्टेडियम पंचकूला के अंदर है ठीक है ना देवीलाल पार्क तो हर ही जगह मिल जाएंगे आपको और लेकिन देवीलाल स्टेडियम जो है बेसिकली पंचकुला का बहुत ज्यादा फेमस है हाँ इनकी समाधि भी आपको याद रखनी है इनकी समाधि का नाम है संघर्ष घाट इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया लाहौर जेल में भी ये गए थे तो राजनीति में एक बहुत अच्छा इंसान इनको माना गया है देवीलाल को ठीक है तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना और सबसे बड़ी उम्र में बने थे स्वतंत्रता सेनानी थे जननायक थे किंग मेकर थे राजनीति के भीष्म ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में किसानों के मसीहा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है ठीक है फिर इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं भाई भजन लाल ठीक है इनके बाद कौन आते हैं इनके बाद आते हैं भजन लाल भजन लाल भजन लाल का जो कार्यक्रम था वो सबसे ज्यादा बड़ा था अब ये एक मुद्दे का क्वेश्चन है ये हरियाणा में एक बहुत बड़े मुद्दे का क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक बंसीलाल रहे थे या भजन लाल रहे थे ठीक है तो सबसे लंबे समय तक देखो ये क्वेश्चन हरियाणा स्टेट में आया था हरियाणा स्टेट की आंसर की ने बंसीलाल को माना था बंसी लाल सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे ठीक है लेकिन ये जो जितने भी ये साल है ना ये साल इन सालों को गिनके देखोगे ना तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक भजन लाल रहे थे ठीक है तो ध्यान रखना और हरियाणा एच एस एससी में क्वेश्चन आया था तो आप स्क्रीनिंग दे रहे हो HSSC दे रहे सीई टी दे रहे हो तो आप अपना आंसर आंसर ही करेंगे के की, की ने बेशक बंसी लाल माना था लेकिन जब आप इनके दिनों को देखो इनको जब लगातार सालों को गिनते हैं तो बंसी ने ज्यादा सालों मतलब ज्यादा साल रहे हैं सॉरी भजन ज्यादा साल रहे हैं तो आप भजन को ही टिक करेंगे एच एस की आंसर की भी भजन ही मानती है लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भजन थे ठीक है ये पी थे भाई राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े लिखे बंदे थे ये बिश्नोई समाज के सिरमौर इनको कहा जाता है बिश्नोई जो जाति है ठीक है तो बिश्नोई समाज के सिरमौर इनको कहा जाता है भजन को कहा जाता है सेंटर में भी ये मंत्री रहे थे ठीक है ना तो ये बीच में जैसे आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं फिर चले जाते हैं तो ऐसे ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर रहते हैं ठीक है तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है इनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है ठीक है भजन को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है ध्यान रखेंगे ये चीज ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हरियाणा जनहित पार्टी इन्होंने गठन की थी ठीक है इन्होंने कौन सी पार्टी गठन की थी भाई हरियाणा जनहित पार्टी इन्होंने गठन की थी हरियाणा जनहित पार्टी इन्होंने क्या की थी भाई गठन की थी ठीक है तो ये भी आपको क्या है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है फिर आते हैं भाई आपके मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ये इनके इनके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ध्यान से सुनना मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले कौन थे तो ओम प्रकाश चौटाला थे इन्होंने टोटल पांच बार शपथ ली सही मायने में रास्त तो चार बार ही किया है एक बार मात्र पांच दिन के बाद इनको हटा दिया गया था तो ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखना सबसे छोटे समय तक सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बना ओम प्रकाश चौटाला मात्र पांच दिन के लिए एक बार ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले भी कौन थे ओम प्रकाश चौटाला ही थे ठीक है पांच बार शपथ ली थी बेसिकली चार बार मुख्यमंत्री रहे एक बार पांच ही मतलब पांच छह दिन रहे ठीक है तो ये अपने आप में इनका क्या हो जाता है भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो ये क्वेश्चन भी क्या आप ध्यान रखेंगे कि सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री रहे मात्र फाइव डेज तो वो भी कौन थे मात्र पांच दिन ओम प्रकाश चौटाला रहे थे ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका मतलब आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखना है ठीक है फिर है मास्टर हुकम सिंह मास्टर हुकम सिंह के कोई खास क्वेश्चन नहीं है अपने एग्जाम के लिए ठीक है तो मास्टर हुकम सिंह का नाम था गोपालक तो इतना से याद रखना है इनको गोपालक नाम से भी जानते हैं जो मास्टर हुकम सिंह थे इनको गोपालक नाम से भी जानते हैं और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो चौटाला के टाइम में लगा था ये भी ध्यान रखना देखो तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा है पहली बार राव वीरेंद्र सिंह दूसरी बार बनारसी दास गुप्ता और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है 1991 से लेके मतलब 1991 में ही लगा है जो कि छोटा के समय लगा है ठीक है ध्यान रखेंगे ये भी मास्टर हुकम सिंह का खास क्वेश्चन नहीं है ये चरखी दादरी के ढाणी फोगाट गांव से थे और इनको गोपालक कहा जाता है खा, खास एग्जाम के लिए इनका क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ ठीक है फिर आते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा नोवे मतलब वैसे तो अट्ठारहवें मतलब जो होती है मुख्यमंत्री की जो इलेक्शंस चलती हैं तो अट्ठारवी विधानसभा के मतलब मुख्यमंत्री बने कौन भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकिन व्यक्ति के रूप में नौवे बने हैं ये आपको ध्यान रखना है आजाद भारत में जन्मे पहले हैं क्योंकि अब तक जिनका जन्म है उन्नीस से पहले का था ठीक है तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है आजाद भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो आजाद भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री थे कौन भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे आपको ध्यान रखना है ठीक है आजाद भारत में जन्मे थे पहले मुख्यमंत्री थे रोहतक के सांगी गांव से ये बिलोंग करते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे रोहतक के सांगी गांव से ये क्या करते हैं भाई बिलोंग करते हैं लगातार दो बार बनने वाले सीएम है लगातार दो बार लेकिन अब ये रिकॉर्ड भूपेंद्र इसरो ने मनोहर लाल खट्टर ने भी तोड़ दिया है ठीक है ये भी लगातार दो मतलब अपना कार्यकाल पूरा ही कर लेंगे यदि इनका कार्यकाल कुछ वजह से रह जाता है तो बात अलग है लेकिन इनका कार्यकाल यदि पूरा हो जाता है तो दोनों कैटेगरी में आ जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर लगातार दो बार क्योंकि क्या होता है आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं बट ये कॉन्टिन्यूअसली दो इलेक्शंस में रहे हैं तो ध्यान रखेंगे आप स्वतंत्र भारत का पहला भूपेंद्र सिंह हुड्डा था जो कि आजाद भारत में क्या थे भाई जन्मे थे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के सांगी से थे आपको ध्यान रखना है रोहतक से ठीक है इनकी बुक है इंपॉर्टेंट है उड़ान अभी बाकी है ठीक है उड़ान अभी बाकी है ये इनकी बुक का नाम है उड़ान अभी बाकी है तो ये बुक है इनकी याद रखेंगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है फिर जो अपने जो प्रेजेंट हैं जिनको हेडमास्टर कहते हैं काका कहते हैं दैट इज मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं अपने वर्तमान में ये मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि पिछले पांच साल जिन्होंने काम किया अगले पांच साल भी कर रहे हैं भविष्य को कौन जाने हैं तो मनोहर लाल खट्टर की यदि बात करें तो ये निदाना गांव में थे निदाना गांव पड़ता है करनाल के आसपास तो निदाना गांव से रिलेटेड है मतलब सॉरी इनका जो विधानसभा शीट है वो तो करनाल है बट निदाना आई थिंक रोहतक में पड़ता है वहां पर इनका जन्म हुआ है बट इनकी जो विधानसभा शीट है वो करनाल की ही आपको पता है मनोहर लाल खट्टर को काका बोलते हैं हेडमास्टर बोलते हैं तो ये सारी चीज क्या है आपको ध्यान रखनी है ठीक है हाँ तो ये भी वही लगातार दूसरी बार चल ही रहे हैं ये आप इनका जन्म है सौ चौवन में होता क्वेश्चन का डिफरेंस याद रखना स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकिन गणतंत्र भारत में गणतंत्र मतलब संविधान लागू हो गया था 1950 में तो गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है गणतंत्र भारत में जन्मे पहले ये है स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ठीक है तो ये थे बेसिकली दस मुख्यमंत्री अब इनसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं ठीक है इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हरियाणा में व्यक्ति के रूप में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं भाई ठीक है लेकिन अब फिलहाल कौन सी विधानसभा थी बीसवीं विधानसभा थी बीस मुख्यमंत्री हैं हैं जो फिलहाल चल रहे ठीक है लेकिन व्यक्ति दस ही बने हैं आपको पता है सुचेता कृपलानी हरियाणा के अंबाला से थी लेकिन वो यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी तो वैसे मुख्यमंत्री की बात है वैसे जनरल बता रही हूँ ठीक है और सुषमा स्वराज आपको पता है अंबाला से है लेकिन वो दिल्ली की रह चुकी है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कुछ फैक्ट्स हैं जो मुख्यमंत्री से आए थे देखो सर्वाधिक बार जिन्होंने शपथ ली ओम प्रकाश चौटाला है ठीक है कम समय जो रहे वो भी ओम प्रकाश चौटाला है पांच दिन प्रथम उप मुख्यमंत्री वो चांद थे प्रेजेंट दुष्यंत चौटाला लगातार बनने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा एज वेल well एज मनोहर लाल खट्टर अब ये अपना कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है लगातार सालों को देखें तो भजनलाल के ज्यादा साल बन रहे हैं लेकिन एक एक दिन का पाई पाई का हिसाब करें तो बंसीलाल के बन रहे हैं अब आपको क्वेश्चन आए सर्वाधिक लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा आंख बंद करके भजन लगा लेना क्योंकि बारह साल लगभग हरियाणा एच सब भजन को ही कंसिडर करती है भजन करना कर में बंसी को किया था और मान लो एस्टेट में आ गया क्वेश्चन और तुम भजन लाल कराए तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्लेम कर सकते हो एच आंसर मानती है ठीक है तो ध्यान रख लेना उस चीज को रोहतक का जो कॉलेज है बीडी शर्मा वो किसके नाम पे है भगवत दयाल शर्मा के नाम पे ठीक है अब देखो निर्वाचित मुख्यमंत्री बना था राव वीरेंद्र सिंह और मनोनीत किए गए थे सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा ठीक है लेकिन फर्स्ट निर्वाचित राव वीरेंद्र सिंह थे नहर निर्माता ड्रॉप सिंचाई परियोजना के जनक मतलब नहरों का निर्माता सिंचाई परियोजनाओं का जनक किसको कहा जाता है भाई बंसीलाल को कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेंगे वैसे तो नहर निर्माता फिरोशा तुगलक है दैट इज डिफरेंट थिंग बट मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे पूछा जाए तो बंसीलाल को भी कहा जाता है इन्होंने बहुत नहरें बनवाई हैं ठीक है ना भिवानी का विश्वविद्यालय भी इनके नाम पे है रोहतक में लाहली में एक स्टेडियम भी है बंसीलाल के नाम पे ठीक है एक नारा है राजनीति के लिए बहुत फेमस है लोकराज लोक लाज से नहीं चलता है सॉरी लोक राज लोक लाज से चलता है नहीं नहीं मतलब कहता है लोक राज मतलब जो राज होता है ना वो लोक लाज मतलब लोगों की इज्जत से चलता है मतलब लोगों को श... लाज रखनी चाहिए तो ये बात किसने बोली थी भाई देवीलाल ने बोली थी ये स्टेटमेंट याद रखना लोक राज लोक लाज से चलता है देवीलाल की स्टेटमेंट है और देवीलाल के नाम पर ही चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार है पुरस्कार है ये देवी देवीलाल के नाम पर दिया जाता है देवीलाल स्टेडियम है गुड़गांव और पंचकुला के अंदर खुले हुए हैं देवीलाल स्टेडियम ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट है याद रखना देवीलाल पार्क तो हर जगह ही है ठीक है तो ये और उप मुख्यमंत्री की बात करें क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाल सकता है कि उप मुख्यमंत्री कौन था और कौन नहीं है तो हरियाणा में अब तक छह बंदे उप मुख्यमंत्री बने हैं सबसे पहला चांदराम बना था याद रखना दूसरा बनारसी दास गुप्ता बना था तीसरा मंगल सेन बना था चौथा मास्टर हुकम सिंह बने थे पांचवा चंद्रमोहन बना था जिसका कोई अफेयर उफेर भी बड़ा फेमस हुआ था कहानी आई थी ध्यान है मुझे दुष्यंत चौटाला ठीक है फिर दुष्यंत चौटाला वर्तमान तो हरियाणा में अब तक पूछे कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में उप मुख्यमंत्री कितने बन चुके हैं भाई छे बन चुके हैं पहला आपको ध्यान रखना है चांद ठीक है दूसरा बनारसी दास गुप्ता मंगलसेन मास्टर हुकम सिंह चंद्रमोहन दुष्यंत चौटाला यहां से क्वेश्चन स्क्रीनिंग के एग्जाम में डाला गया था कि हरियाणा में कौन सा इंसान है जो मुख्यमंत्री नहीं बना है तो आपको छह नाम याद रखने हैं बंसी लाल का नियर अबाउट तिरतालीस दिन कार्यक्रम बनता है और इसका ये मैंने गलती से लिख दिया इसका तिरतालीस से ज्यादा बनता है ठीक है मतलब आपको भजन लाल ही करना आंसर जब मैंने बता दिया ठीक है मुद्दा ख़त्म ये लंबे वाला बाकी बहुत डिटेल में किसी को एक एक डेट चेक करनी है ये देख लो किसी ने एस सी मेन देना है तो बात अलग है लेकिन टीचिंग के लिए मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है, वो मोर देन सफिशियंट है लेकिन बहुत ही वेरीफाइड करके मैंने डाटा आपको दिया है ठीक है बट वैसे मैंने स्कैन कर दिया है भाई किसी को बिल्कुल ये हो ना किसने कब शपथ ली थी बट इतना ज़रूरत नहीं है ठीक है जो मैंने तुम्हें करवाया है ना मोर देन सफिशियंट करवा दिया मुख्यमंत्री से बनने वाले क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे ठीक है प्रधानमंत्री का छोटा रूप किसको कहा जाता है यह भी क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री का छोटा रूप किसको कहा जाता है भाई मुख्यमंत्री को कहा जाता है ठीक है ना तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है है ना विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो है कि वो क्या बनता है भाई वो मुख्यमंत्री बनता है सबको पता है ये सब चीजें और ओम प्रकाश चौटाला पांच बार बंसीलाल तीन बार बनारसीदास गुप्ता देवीलाल भजनलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो दो बार बन चुके हैं ठीक है हरियाणा के तीन लाल सबको पता हरियाणा के तीन लाल बंसीलाल भजनलाल भजन लाल और देवी लाल ये हरियाणा के तीन लाल हैं ठीक है थीके? दस व्यक्ति अब तक बन चुके हैं हाँ तो दस व्यक्ति अब तक बन चुके हैं वर्तमान जो दस हैं उसमें शायद तीन ही जिंदा है है ना तो ये भी एक फैक्ट हो गया अपना कोई खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है ठीक है भाई भजन लगभग बारह साल रहे हैं और बंसी लाल साल कुछ महीने रहे हैं तो बंसी का हल्का सा टाइम कम हो जाता है साजन लाल भूपेंद्र सिंह स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र भारत के पहले खट्टर तो ये कुछ था मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड कंफर्म है मुख्यमंत्री से क्वेश्चन जरूर आता है जो मैंने आपको फैक्ट करवा दिए मोर देन सफिशियंट है, है मुख्यमंत्री के लिए तो होप्सो गाइज आपको एक क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही मुझे नहीं पता आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आपको हरियाणा जीके की सीरीज अच्छी लग रही है इसलिए मुझे भी एक नई एनर्जी आती है और फिर मेरा भी मन करता है कि कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार करूं और आपको ऐसा कंटेंट दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन ना जाए मुझे कोई मैटर नहीं करता कि मैं कॉपी पे दे रही हूँ मैं बुक पे दे रही हूँ इतनी चीजें नहीं याद रहती मैं झूठ नहीं फेंका करती ठीक है ना तो सीधी सी बात है बार बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी तुम विद्यार्थियों मेरा काम क्या है हर चीज को आपको समझाना है हरियाणा जी के मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ जब एक से दो बार मैं पढ़ा लूंगी हरियाणा जी के तो मुझे भी ये टिप्स पे याद हो जाएगी साफ सी बात है भाई लेकिन अब मेरा कोशिश रहता है कि बस वो फैक्ट वो चीजें मैं ऑथेंटिक सोर्सेज से इकट्ठा करूं मतलब वो मेहनत आपके लिए करूं बस जो आपके पेपर में आ जाए सिर्फ इसी कोशिश के साथ मैं हरियाणा जी के पढ़ा रही हूं कि जो मैं पढ़ाऊं बस वो एग्जाम में आ जाए और आप लोगों का बेड़ा हो जाए अच्छे वाला पार तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि हरियाणा जी के हर बच्चा पढ़ता है जो चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको बहुत सारी वीडियोज मिलती रहेंगी हरियाणा पोलिटिकल तीन से चार वीडियोज में खत्म हो जाएगी उसके बाद हरियाणा की कुछ मिसेलिनियस टॉपिक करवाऊंगी फिर हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट शुरू कर देंगे कोशिश है हरियाणा स्क्रीनिंग तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपको दे दूँ ठीक है भाई सो उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच ये पीडीएफ अचीवर अकेडमी का जो टेलीग्राम है मैं अभी भेज दी है वहां पर बाद में भूल जाती हूँ तो अचीवर अकेडमी के टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ को शेयर कर दिया है तो आप ये पीडीएफ वहां से रिसीव कर सकते हैं किसी के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है तो अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना ठीक है जो चैनल का अबाउट होता है ना वहां पर जाना वहां पर टेलीग्राम इंस्टाग्राम अपना दूसरा चैनल सभी लिंक्स वहां पर हैं वहां से ज्वाइन कर सकते हो ठीक है भाई एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रीड यूअर कमेंट्स एंड गिव देम हार्ट बाय बाय रात नौ बजे मिलेंगे भाई टीचिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने चल गया ना यस Hello everyone, welcome back to your own academy. That is Achievers Academy. This is Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. Guys, आज की जो क्लास होने वाली है ना इस पे जितने स्टार लगा सको, जितने स्टार स्टार लगा लगा सको सको उतने कम है मतलब ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हरियाणा के गवर्नर्स या राज्यपाल या सीएम वगैरह से क्वेश्चन ना आए हो तो कल की क्लास में हमने हरियाणा के सीएम डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम गवर्नर ऑफ हरियाणा हरियाणा के राज्यपाल को डिस्कस करेंगे उससे पहले एक छोटा सा आ, मैं क्षमा चाहूंगी क्षमा क्या इट्स अ फ्लो ऑफ टंग चौदवी विधानसभा चल रही है भाई सबको पता है मैंने विधानसभा भी पढ़ा रखी है चौदवी विधानसभा चल रही है हरियाणा में कल मैं तुम्हें वैसे ही बता रही थी कि ये मुख्यमंत्री बन बन गया ये बन गया ये एक बन रहा है एक आ रहा है एक बन रहा, एक बन रहा एक है एक बारह भाई वैसे तो आ, मतलब दस ही बने हैं लेकिन वैसे नंबर देखे तो बीसवा आ गया मनोहर लाल खट्टर का तो वो बीसवें के चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया बीसवीं विधानसभा तो प्लीज प्लीज आप उसे करेक्ट कर ले हरियाणा में चौदहवीं विधानसभा चल रही है ठीक है हरियाणा में फिलहाल जो विधानसभा चल रही है वो चौदहवीं चल रही है जबकि ऑलरेडी मैं विधानसभा पढ़ा चुकी हूँ बट ऐसा कभी गलती से हो सकता है तो प्लीज़ आप इसे ठीक कर लें मेरी वजह से ऐसा ना हो किसी का एक नंबर गलत ना हो जाए गलती इंसान से हो सकती है बट गलती को करेक्ट कर लेना चाहिए गलती को गलती नहीं रखना चाहिए बस ठीक है तो ध्यान रखना वो मेरे मुंह से वैसे बीसवा निकल गया मैं तुम्हें फ्लो में बोल रही थी ना कि किसवे मतलब वैसे बंदे तो दस ही बने हैं बट ऐसे एक एक करके देखे तो नंबर तो बीसवा आ गया मनोहर लाल खट्टर का तो विधानसभा लेकिन चौदहवीं चल रही है ठीक है तो ध्यान रखेंगे चलो तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के राज्यपाल गवर्नर ऑफ हरियाणा हरियाणा के राज्यपाल को पढ़ने से पहले हम बेसिकली एक ओरल डिस्कशन करते हैं राज्यपाल का पोस्ट क्या होता है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है क्यों ये जरूरी है क्यों लाया गया आपको पता देश में राष्ट्रपति होता है ठीक है जैसे अपने देश में राष्ट्रपति की वैल्यू है राष्ट्रपति की वैल्यू है देश में उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल की वैल्यू है और राष्ट्रपति की वैल्यू भी आपको पता है राज्यपाल की वैल्यू भी पता है ये नाम मात्र के ही मुखिया होते हैं बेसिक पावर तो मुख्यमंत्री के ही हाथों में होती है जैसे कि सेंटर में पीएम के हाथों में होती है तो स्टेट में सीएम के हाथों में होती है बट स्टिल संवैधानिक प्रमुख वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो तीन बार एग्जाम्स में आ चुका है आपको ध्यान रखना है हरियाणा में नहीं मतलब देश में कैसे भी कार्यपालिका का अध्यक्ष आपको बताएं संवैधानिक प्रमुख किसको कहा जाता है भाई तो संवैधानिक प्रमुख देश में तो अपना राष्ट्रपति होता है और राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है भाई राज्यपाल को कहा जाता है ठीक है तो राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है भाई राज्यपाल होता है राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है पीएम की सलाह पर क्योंकि भाई राष्ट्रपति है नियुक्त करेगा तो पीएम से पूछेगा भाई इसी इस स्पेसिफिक बंदे को मैं नियुक्त करना चाहता हूं उस पर्टिकुलर स्टेट का राज्यपाल तो मैं नियुक्त कर दूं क्योंकि उसकी कुछ इलिजिबिलिटी होते हैं सबकी सेम होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए वो पैंतीस साल का होना चाहिए पागल या दिवालिया ना होना चाहिए ये तो मैं बचपन से याद होंगे वो किसी लाभ के पद पर आसी नहीं होना चाहिए मतलब ये नहीं है कि आप किसी जॉब में है गवर्नमेंट जॉब में है और फिर आप कह रहे हो मैं राज्यपाल बनूंगा तो आपको पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा अपनी सरकारी नौकरी से फिर जाके राज्यपाल आप बनोगे तो मतलब किसी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए तो ये कुछ बेसिक सी बात है जो सबको ही पता है ठीक है उम्र इतनी होनी चाहिए ये वो फलाना सारी चीजें हो जाती हैं तो राष्ट्रपति एक्चुअली नियुक्त करता है हर स्टेट में राज्यपाल एक खास बात क्या होती है जिस स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है ना उस स्टेट के बंदे को उस स्टेट का राज्यपाल नियुक्त नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्योंकि राज्यपाल बेसिकली जो बनाया जाता है ना वो क्यों बनाया जाता है कि वो गतिविधियों पर नजर रखे जो भी गतिविधियां हैं राष्ट्रपति या जो सेंटर होता है वो स्टेट क्या मान लो स्टेट कोई बंदा है बिल बिल पास करवाना है सीएम कहता है मुझे इतना बिल पास करवाना है तो राष्ट्रपति जो पीएम वगैरह होते हैं, वो राज्यपाल से पूछते हैं कि भाई क्या हरियाणा स्टेट पे इतना काम होगा क्या अनदर स्टेट पे इतना काम होगा तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल होता है वो इन्हीं लोगों का ही एक तरह से टाइप का बंदा होता है मतलब ये लगा लो तो कुल मिला के जिस स्टेट का राज्यपाल होता है वो स्टेट का बंदा नहीं होता मतलब हरियाणा के बंदे को हरियाणा का राज्यपाल नहीं बनाते हैं ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखना हरियाणा का बंदा हरियाणा के बाहर के स्टेट्स का राज्यपाल बन जाएगा बट वो हरियाणा का राज्यपाल नहीं बनता है ठीक है तो ये दो चार खास बात थी जो आपको याद रखनी है राज्यपाल की पोस्ट की बात करें तो एक आर्टिकल एक में राज्यपाल की पोस्ट की बात की गई है और एक से लेकर एक तक अलग अलग अधिकारों की एक में यह है एक में यह है, है तो एक से लेकर एक तक उसके जो भी प्रावधान है राज्यपाल से रिलेटेड वो सारे प्रावधान किए गए हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जो बंदा होता है वो एक से दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है मान लो मैं हूं आई एम जस्ट गिविंग यू एक्साम्पल मैं तो पॉलिटिक्स मैं कहा जाऊंगी ना ही मेरा इंटरेस्ट है और ना ही मेरी औकात है ठीक है कि मैं राज्यपाल या राष्ट्रपति बनूं मतलब मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूं मान ले मैं हूं तो मैं हरियाणा की बन सकती हूँ मैं हरियाणा की हरियाणा मतलब मैं किसी भी दो स्टेट की बन सकती हूँ कहने का मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक स्टेट का राज्यपाल भी बन सकता है जनरल एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं ठीक है तो ये छोटा सा पॉइंट रही जो आपको याद रखना है प्रथम राज्यपाल प्रथम और लास्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट को तो बहुत अच्छे से लास्ट मतलब जो लेटेस्ट होता है लेटेस्ट से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपको पता है करंट करके तो हरियाणा प्रदेश का प्रथम जो राज्यपाल है वो धर्मवीर भारती रहे थे आपको ध्यान रखना है और जो सबसे लंबे समय तक रहे थे सबसे ज्यादा समय तक जो राज्यपाल रहे थे वो अपने बीएन चक्रवर्ती रहे थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जिसके नाम पे भिवानी में नहर भी है है ना बीएन चक्रवर्ती नहर छोटी नहर है वो हरियाणा की तो बीएन चक्रवर्ती वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हैं जो कि मैक्सिमम टाइम तक रहे थे एक एग्जाम में इसका टाइम पूछा गया था कि कितनी दिन तक रहे थे तो आपको ध्यान रखना है आठ वर्ष छह महीने ग्यारह दिन ठीक है आठ वर्ष छह महीने और ग्यारह दिन जो राज्यपाल रहे थे वो बी एन चक्रवर्ती रहे थे सबसे कम टाइम के लिए जो राज्यपाल रहे थे सबसे कम टाइम के लिए तो उनका नाम था ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम टाइम के लिए पांच दिन याद करना बहुत आसान है सबसे कम टाइम के लिए जो आपके सीएम बने थे वो भी ओम प्रकाश मतलब चौटाला थे ओम प्रकाश पांच दिन के लिए रहे थे एक्जैक्टली द सेम थिंग गवर्नर भी पांच दिन के लिए रहा था कौन ओम प्रकाश वर्मा तो ये चीज क्या है आप अपने दिमाग में सेट रखेंगे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो कभी नहीं भूलने हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर हरियाणा में तीन बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है आपको ध्यान रखना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन अक्सर यहाँ से एग्जाम में लिया गया है पीछे स्क्रीनिंग के जितने भी एग्जाम हुए थे ठीक है स्क्रीनिंग के जितने भी एग्जाम हुए थे यहां से क्वेश्चन जरूर लिया गया था ठीक है कि कौन सा राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति शासन आपको पता ना लगे भाई कुछ राज्य में गड़बड़ी हो रही है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल तीन होता है ये तो राष्ट्रपति जो शासन लगा है देख लो हरियाणा में तीन बार लगा है तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है तीनों के टाइम कौन कौन राज्यपाल था कौन कौन सीएम था हर बच्चा क्या करता है ये क्वेश्चन याद करता है कि हरियाणा में तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा था मैम इस डेट को लगा था इस डेट को लगा था और इस डेट को लगा था ठीक है ऐसे याद करते हैं लेकिन आजकल वो ट्रेंड जा चुका है सबको पता है तीन बार राष्ट्रपति शासन लगा था और इस डेट को लगा था ठीक है अब क्वेश्चंस क्या बनने लगे हैं कि जिस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम सीएम कौन था उस टाइम पीएम कौन था उस टाइम राष्ट्रपति कौन था ये सब आप भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1961 में लगा था 21 नवंबर 1967 से लेके 21 मई 1968 तक ठीक है डेट ईयर डेट के साथ याद करेंगे ठीक है स्क्रीनिंग में लास्ट टाइम हर स्क्रीनिंग के पेपर में क्वेश्चन डाला हुआ था राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से मतलब हरियाणा की पॉलिटिक्स से तो एक एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्वेश्चन भी बनते हैं तो 21 नवंबर 1967 से 21 मई नाइनटीन है आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम जो राष्ट्रपति थे अपने देश के वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन है और उस टाइम जो हरियाणा के राज्यपाल थे तो यहां से आपका जो क्वेश्चन बनेगा किस राज्यपाल के समय में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो वीरेंद्र चक्रवर्ती के समय वीरेंद्र राव चक्रवर्ती के समय सबियन चक्रवर्ती भी लिखा हो सकता है वीरेंद्र राव चक्रवर्ती के समय सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम राष्ट्रपति थे जाकुर टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और अपने सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह ठीक है तो तीनों चीजें आपको याद रखने हैं सीएम थे कौन भाई राव वीरेंद्र सिंह तो ये आपका क्या था पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन आपका लगा था हरियाणा में तो अपने आप में क्या हो गया भाई ये इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है याद रखेंगे फिर दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 30 अप्रैल 1979, 30 अप्रैल 1979 में लगा था से 20 जून 1979 तक ठीक है ये सबसे कम टाइम का ही लगभग है तो 30 अप्रैल उन्नीस से लेकर 20 जून उन्नीस तक का राष्ट्रपति शासन लगा था सेकेंड टाइम और जब आपके जो राष्ट्रपति थे कार्यवाहिक राष्ट्रपति थे उस टाइम बीडी जत्ती और उस टाइम जो राज्यपाल थे आपको ध्यान रखना है जयसुख लाल हाथी क्वेश्चन बनेगा कौन से राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है तो आपको ध्यान रखना है पहला है वीरेंद्र राव चक्रवर्ती दूसरा है जयसुख लाल हाथी ठीक है राज्यपाल थे जिस टाइम क्या बना था भाई राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और उस टाइम सीएम आपने पीएम थे मुरारजी देसाई और सीएम थे बनारसी दास गुप्ता बीडी बीडी गुप्ता सीएम में भी मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ा था और आज मैं राज्यपाल में तुम्हें डिटेल से पढ़ा रही हूँ क्योंकि राज्यपाल का कॉन्सेप्ट है जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम अपने राज्य का मुखिया राज्यपाल ही होता है है ना? तो इसलिए राज्यपाल में ही इसको डिटेल से पढ़ा है तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 6 अप्रैल 1991 से स्टार्ट होकर 23 जुलाई 1991 तक लगा था तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था आपको ध्यान रखना है ठीक है <coughs> सीएम और गवर्नर सेम नहीं होते सीएम चीफ मिनिस्टर होता है मुख्यमंत्री होता है और गवर्नर राज्यपाल होता है तो राष्ट्रपति यदि बात करें तो राष्ट्रपति उस टाइम रामास्वामी वेंकट रमन थे देश के और प्रधानमंत्री उस टाइम चंद्रशेखर थे बट आपको तो हरियाणा के ज्यादा याद अपने हरियाणा पे फोकस करना है तो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला थे ठीक है और जो राज्यपाल थे वो थे धनिक लाल मंडल तो आपने क्या याद करा तीन राज्यपाल याद कर लिए जिनके टाइम में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था एक आपने राव वीरेंद्र सिंह मतलब बी एन चक्रवर्ती सॉरी दूसरा आपने धनिक लाल मंडल हाथी दूसरा धनिक लाल मंडल और तीसरा जो आपका था ये आपका जयसुखलाल हाथी ठीक है तो ध्यान रखेंगे तीन पर्सन हो गए तीन राज्यपाल हो गए जिनके समय में आपका क्या लगा था भाई राष्ट्रपति शासन लगा था तो तीनों अपने आप में क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीएम कौन थे भाई आपका जो सीएम राव वीरेंद्र सिंह था वो बी एन चक्रवर्ती राव वीरेंद्र सिंह है दो अलग अलग पर्सनैलिटी है और फिर आपका यहाँ पर जो पर्सन था बनारसी दास गुप्ता था और ओम प्रकाश चौटाला तो मैंने आपको सीएम में भी पढ़ाया था और आज इसमें भी पढ़ा दिया तो ध्यान रखेंगे ठीक है जीके की पिछली 18 क्लास इससे पहले हम कर चुके हैं एक एक क्लास पे मेहनत की गई है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन डाला गया है हरियाणा जीके की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने न्यू हरियाणा जीके के नाम से ठीक है प्लेलिस्ट को मैं लिंक कर दूंगी ऊपर पहली से अठारह क्लास आप वहां देख सकते हो तो ये राष्ट्रपति ये जो है आपको याद करना है यहाँ पर फिर कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन हैं फिर हम याद करेंगे कौन कौन से राज्यपाल बेसिकली हैं प्रेजेंट तो हरियाणा की जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं ध्यान रखना उनका जो चांसलर होता है उनका जो कुलपति होता, होता है वो राज्यपाल होता है ठीक है ये एक फैक्ल सा क्वेश्चन है कि हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है उनका तो जो चांसलर होता है वो कौन होता है भाई उनका चांसलर आपका राज्यपाल होता है बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नहीं होता हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका जो चांसलर होता है वो राज्यपाल होता है ठीक है अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्यपाल अपने पोस्ट पर कितने टाइम तक रह सकता है भाई मतलब वैसे तो देखो पांच साल रह सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल लेकिन आंसर आता है पांच साल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे कहते ना प्रभु इच्छा तक चलेगा कीर्तन तो उसी तरीके से भाई राज्यपाल तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे तो इसको हमेशा ऑप्शन मिलेगा पांच साल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राष्ट्रपति को आज ये लग रहा है ये बंदा ठीक नहीं है ये सही जासूसी नहीं कर रहा मैंने जिसलिए नियुक्त किया था वो काम नहीं कर रहा डंका ठीक है ये तो हरियाणा को ही फेवर कर रहा हमें फेवर नहीं कर रहा सच्चाई तो ये होती है सेंटर को फेवर करने के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं जरूरती क्या होती है राज्यपाल की है ना ज्यादा तो की जाते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद तक ही रहता है, तो आपको यहां पर पावर होती है तो के पास भी पावर होती है क्षमादान करने की लेकिन राष्ट्रपति तो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं करता है सिर्फ क्या होता है मान लो आपको पंद्रह साल की सजा हुई है तो उस सजा को घटाकर दस कर देगा पांच कर देगा लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो मृत्यु दंड को भी माफ करने का अधिकार रखता है बट ये नहीं रखता है तो आर्टिकल 161 में है ये क्षमादान वाला जो प्रोजेक्ट है आपको ध्यान रखना है ठीक है और ये एक जनरल सी बात है कि वो जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो विधानसभा वगैरह का सदस्य नहीं होना चाहिए मतलब लाभ के पद पर आसीन ना हो एक ही बात है तो उसमें सारी आ जाती है अब ये क्वेश्चन हरियाणा के स्क्रीनिंग में पूछा गया था कि जो आपका राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है तो आपके ही राज्य का जो हाई कोर्ट है ठीक है आपके राज्य का जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं ध्यान रखना तो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है भाई राज्यपाल को शपथ दिलवाता है तो ये भी क्या है आपको ध्यान रखेंगे ठीक है फिर हरियाणा के कुछ ऐसे बंदे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में राज्यपाल बने हैं देखो मैंने क्या बोला शुरू में अपने स्टेट के अपने स्टेट में नहीं बन रहे लेकिन अपने स्टेट के कुछ खास बंदे हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स के राज्यपाल बने हैं तो यहां पर ये छह नाम आपको याद करना ऑप्शन में मिल सकता है कौन सा ऐसा है जो अनदर स्टेट का राज्यपाल नहीं बना तो चंद्रावती है ठीक है चंद्रावती है बी डी शर्मा है एम पी वगैरा के बने थे ये चंद्रावती शायद पदुचेरी की बनी थी आचार्य देवव्रत है सुल्तान सिंह है गणेशी लाल है और सत्यपाल मलिक है तो ये छह वो पर्सन हैं जो अलग अलग स्टेट्स के राज्यपाल बने थे जो कि बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं ठीक है तो ये अलग अलग स्टेट के क्या बने थे भाई राज्यपाल बने थे तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे है ना बात आती है वर्तमान वर्तमान को याद करना बहुत जरूरी है फिर सब पे एक नजर मार लेंगे लेकिन सबसे मेन जो आपके क्वेश्चन बनता है वर्तमान राज्यपाल से बनता है तो हरियाणा में वर्तमान जो राज्यपाल है वो नंबर का राज्यपाल है ठीक है कौन से नंबर का राज्यपाल है नंबर का राज्यपाल है आपको ध्यान रखना है और नंबर का राज्यपाल है जिसका नाम है बंडारू दत्देय सबको पता है तेलंगाना हैदराबाद से है पहले आर एस आर आर एस में भी रहे हैं ये ठीक है तो यहां पर ये चीज जो है आपको बेसिकली याद कर लेनी है प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा और डीप में बता देती हूँ मैं प्रेजेंट के ये दो चार क्वेश्चन है इसके लिए देख लो क्योंकि प्रेजेंट है तो इंपॉर्टेंट है ठीक है हरियाणा के राज्यपाल इनको बनाया गया था लेकिन इनकी जो शपथ ग्रहण हुआ था वो 14 जुलाई 2000 मतलब 15 जुलाई 2021 को इनका शपथ उस टाइम जो हाईकोर्ट के जज थे रविशंकर झा ठीक है तो रविशंकर झा ने इनको क्या करी थी भाई शपथ दिलवाई थी आपको ध्यान रखना है अठारवा नंबर का है पहले ये आर में भी थे और सबसे इंपॉर्टेंट ये सेंटर के अंदर भी मंत्री रह चुके हैं ठीक है ठीके? सेंटर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस टाइम ये सेंटर में शहरी विकास निकाय के मंत्री भी रह चुके हैं तो प्रेजेंट है प्रेजेंट के लिए आपको ये याद करना है कौन सा ऐसा राज्यपाल है जो आर एस का सदस्य रह चुका कौन सा ऐसा राज्यपाल है जो कि अटल जी के उसमें सेंटर मंत्री रह चुका कहां से था तेलंगाना से शपथ कब हुई पंद्रह जुलाई किसने दिलवाई रविशंकर झा ने तो प्रेजेंट है तो आपको ये सारे पॉइंट क्या है याद कर लेने हैं राज्यपाल की पोस्ट को सोने का पिंजरा किसने कहा था सोने का पिंजरा जैसे एक बंदा पिंजरे में कैद हो जाता है उसकी खुद की पावर्स नहीं होती उसी तरीके से जो राज्यपाल उसकी खुद की पावर थोड़ी ना होती है पावर तो बेसिकली सीएम की होती है तो सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल की पोस्ट कुछ नहीं है ये तो एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया फील आ रहा भाई मैं राज्यपाल बन गया बट ऐसा कुछ अधिकार नहीं होते उसके पास ज्यादा ठीक है तो ध्यान रखना सरोजनी नायडू को सब जानते होंगे भारत को किला सरोजनी नायडू कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष वैसे तो एनी बेसेंट थी बट वो अंग्रेज थी भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन नाइन तो सरोज नायडू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आपको पता ही होगा तो ध्यान रखना राज्यपाल की पोस्ट को इसने क्या कहा था भाई ये सोने की चिड़िया इसने कहा था हाँ राज्यपाल को राष्ट्रपति बनाता है प्रेसिडेंट बनाता है रोबिन शुरू में ही बताया आप शायद लेट जुड़े होंगे ठीक है हरियाणा का राज्यपाल जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं आपको ध्यान रखना है हरियाणा का राज्यपाल जो न्यायाधीश भी रह चुके हैं ये दो आपको ध्यान रखना है रणजीत सिंह नुरुला और सुरजीत सिंह संधवालिया ठीक है ये दोनों क्या है भाई हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी, भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं रंजीत सिंह नरूला और सुरजीत रंधवा सुरजीत संधवालिया तो ये पॉइंट्स भी आपने थोड़ा सा याद करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगी बट फिर भी ठीक है ग्रामीण प्रवेश से आने वाले चंद्रावती सुल्तान सिंह ये जो भार बने थे जाके अब एक बार एक नजर मार लेते हैं कौन कौन बने हैं आज तक उनके ऊपर ठीक है प्रेजेंट मैंने आपको करवा 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 दिया सारे सारे फैक्ट मैंने मैंने आपको आपको दिए क्वेश्चंस हैं अब नजर मार लेते हैं कौन कौन से रहे थे तो सबसे पहले श्री धर्मवीर भारती ठीक है तो सबसे पहला पहला राज्यपाल बना था हरियाणा का धर्मवीर भारती हरियाणा बना था बेक नवंबर 1966 में ठीक है फिर दूसरा रहे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती बीएन चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक आठ साल ठीक है आठ साल छह महीने ग्यारह दिन समथिंग तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरे बने थे रंजीत सिंह नरूला ठीक है तीसरे जो राज्यपाल बने रंजीत सिंह नरूला चौथा बना श्री जयसुखलाल हठी हाथी? हाथी नहीं है जयसुखलाल हाथी चौथा बना फिर है हरचरण सिंह बराड़ ठीक है पांचवा हरचरण सिंह बराड़ फिर है सुरजीत सिंह संधावालिया सुरजीत सिंह संधावालिया आपको ध्यान रखना है सातवा राज्यपाल बना था सुरजीत ये ताप से तपासे गणपत राय तपासे बट आपको फर्स्ट और लास्ट याद करना ज्यादा सैयद मुजफ्फर हुसैन हुआ दसवा बना था धनिक मंडल ठीक है धनिक लाल मंडल क्यारवा बना था महावीर प्रसाद बना था महावीर प्रसाद हाँ स्क्रीनशॉट लेने दूंगी बाकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर पूरी शेयर कर दी है अचीवर अकेडमी निशो शर्मा टेलीग्राम पर जाओ पीडीएफ डाल दी है फिर और एक बार मैं क्या करूँगी जब बहुत सारी क्लास इकट्ठी हो जाएंगी अभी तो मैं रेंडम जो क्लास पढ़ाती हूँ वही पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देती हूँ पहले टेलीग्राम पर डालती हूँ फिर क्लास शुरू करती हूँ ताकि हर बच्चे के लीजी हो जाए लेकिन बाद में मैं क्या करूंगी जैसे ही संडे आएगा तो आज तक मैंने जितनी क्लास पढ़ाई है उस पीडीएफ को मर्ज कर दूंगी मर्ज करके जो अपना अचीवर अकेडमी ऐप है उसका जो फ्री सेक्शन है नोट्स वाला ठीक है वहां पर मैं डाल दूंगी ताकि किसी बच्चे को कोई सी को टेलीग्राम पर खुलती है किसी को नहीं खुलती तो अचीवर अकेडमी का जो अपना ऐप है वहां पर जो फ्री नोट्स वाला सेक्शन है जितनी मैं हरियाणा जी के आपको पढ़ाऊंगी फ्री नोट्स के रूप में मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी इकट्ठी मर्ज करके पीडीएफ ठीक है तो संडे को डाल दूंगी मर्ज करके तो महावीर प्रसाद आपको ध्यान रखना है फिर श्री बाबू परमानंद है आपको ध्यान रखना है फिर ओम प्रकाश वर्मा जो पांच दिन के लिए बने थे सबसे कम दिन के लिए बने थे ठीक है अल्लाह रहमर की दुबई ये भी हमारे राज्यपाल रहे हैं आपको पता 2004 फिर जगन्नाथ पहाड़िया तक तो तुम पढ़ना सीख ही गए हो सबको याद होने लगे होंगे यहां से जगन्नाथ पहाड़िया फिर कप्तान सिंह सोलंकी सत्यदेव नारायण आर्य और बंडारू दत्ादेय तो बंडारू दत्ता दे प्रेजेंट है और ये यहाँ का बनने से पहले ये भी ध्यान रखना है यहाँ का बनने से पहले ये हिमाचल का रहा है तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे मतलब यहाँ का बनने से पहले ये कहाँ का था भाई हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था ये फिर को हरियाणा का क्या किया गया भाई राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो ये भी आप इसके लिए क्या है याद रखेंगे मीन्स 18वें के लिए सारी बात आप याद रखेंगे ठीक है कि पहले कहां का था हिमाचल का था पंद्रह जुलाई दो हजार इक्कीस को शपथ ली आठ जुलाई को डिसाइडेड हो गया कि यही बनेगा अपना राज्यपाल ठीक है तेलंगाना से हैं 1947 में जन्म हुआ था 1967 में आर के सदस्य रहे थे शहरी निकाय के भी रह चुके अटल जी के टाइम में ठीक है तो ये ले लो स्क्रीन लो ये ले लो ले लो स्क्रीनशॉट ये सेकंड है आपका तो कई बार इनका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है मैंने कोशिश की है राज्यपाल को एक परफेक्ट वे में जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको कंक्लूड करने की अब आपको वीडियो कैसी लगती है वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट पढ़ के ही पता चलता है तो उम्मीद करती हूं आपको रैना जी के सेशंस बहुत हेल्प कर रहे होंगे भाई जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं यदि आपको लगता है कि चैनल हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनको दिल से थैंक यू बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी डेट इज अचीवर्स दिस साइड निशा शर्मा योर फ्रेंड योर गाइड हॉफ आर फाइन सो हरियाणा जीके की सीरीज में आज ये वीडियो नंबर ट्वेंटी होने वाली है क्लास ट्वेंटी है इससे पहले उन्नीस वीडियो हो चुकी हैं जो मैंने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में एड ऑन कर रखी है तो हरियाणा पॉलिटी चल रही थी उसमें हमने सीएम किया देन राज्यपाल किया आज की क्लास में हम हरियाणा की विधानसभा करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा हरियाणा की विधानसभा तो सबसे पहले तो समझते हैं विधानसभा बेसिकली होती क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा पॉइंट बना के समझा दिया था जैसे कि आपके सेंटर में लोकसभा होती है जिसको लोअर सदन भी बोल देते हैं निम्न सदन भी बोल देते हैं लोअर हाउस भी कह सकते हो कुछ भी तो जैसे सेंटर में आपको पता है लोकसभा होती है सेम उसी तरीके से स्टेट के अंदर विधानसभा होती है कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी है लेकिन हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है ठीक है तो सेंटर में जैसे लोकसभा है आपको पता है एम चुने जाते हैं एम का इलेक्शन होता है और एम का इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर पीएम बनते हैं तो उसी तरीके से हरियाणा विधानसभा में भी नब्बे सीटों के लिए इलेक्शन होते हैं लेकिन वो एमएलए कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है एम कहलाते हैं विधायक आप उनको बोलते हो होता क्या है जैसे नब्बे विधायक होते हैं टोटल हरियाणा में नब्बे विधायक हैं आज की डेट में मतलब आप कह सकते हो कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं नब्बे सीट है इन नब्बे के लिए इलेक्शन होता है नब्बे में से जिसके पास फिफ्टी परसेंट से ज्यादा जैसे फोर्टी प्लस वन जिसके पास 50 तो ये तो कुछ बेसिक सी है अब विधानसभा की डिटेल में बात कर लेते हैं हरियाणा की विधानसभा के बारे में तो हरियाणा की विधानसभा का गठन हुआ एक नवंबर नाइनटीन जैसे ही हरियाणा बना तुरंत हरियाणा की विधानसभा का क्या हो गया भाई गठन हुआ अब विधानसभा का गठन हुआ तो विधानसभा की एक बैठक बुलाई गई कि भाई हाँ गठन तो कर लिया हमने सरकार बनानी है ये करना है वो करना है एक एक जितना भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स दूंगी एक्स्ट्रा चीजों को लिव कर देंगे ठीक है तो हरियाणा की पहली जो बैठक हुई वो छह दिसंबर नाइनटीन को हुई ठीक है तो छह दिसंबर को हरियाणा की क्या हुई भाई पहली बैठक हुई और सबसे पहले जो चुनाव हुए हरियाणा में ये क्वेश्चन याद रखना हरियाणा विधानसभा में पहली बार जो चुनाव हुए वो नाइनटीन में हुए थे ठीक है तो 66 में बनते ही नहीं हुए थे 1967 में चुनाव हुए थे पहली बार अब यहां पर जो क्वेश्चंस हैं दो तीन जो बनेंगे वो आपको याद करना है पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा की गठन के समय विधायक कितने थे मतलब एमएलए कितने थे सिंपल सी भाषा में हरियाणा विधानसभा में सीटें कितनी थी आज के टाइम में नब्बे सीट है ठीक है प्लस एक एंग्लो इंडियन है जो कि आज तक मनोनीत नहीं हुआ जिसको राज्यपाल चाहे तो मनोनीत कर सकता है ठीक है जैसे लोकसभा में होते ना दो उसी तरीके से जिसको राष्ट्रपति चाहे तो दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्ति कर सकता है एग्जैक्टली उसी फॉर्म में संविधान में अधिकार दिया हुआ है एक एंग्लो इंडियन को मतलब निर्वात ये करने का नियुक्त करने का आप कर सकता है मतलब राष्ट्रपति उसको राज्यपाल जो है सिलेक्ट कर सकता है हरियाणा के लेवल पे है तो राज्यपाल है देश के लेवल पे है तो राष्ट्रपति है बट अब तक कोई एंग्लो इंडियन हरियाणा की विधानसभा में सिलेक्ट नहीं हुआ है ठीक है तो यहां से पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हरियाणा के विधानसभा के गठन के समय कुल जो सीटें थी वो कितनी थी भाई कुल विधायक कह दो कुल सीट कह दो कुल एमएलए एक ही बात है ठीक है कितनी थी भाई फिफ्टी फोर चौवन थी फिर नाइनटीन सिक्सटी सेवन में हरियाणा की विधानसभा में फिर जो सीटें हैं वो एट्टी वन हो गई ठीक है एट्टी वन शीट हो गई दोबारा से मतलब जब गठन हुआ मतलब नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में ठीक है तो सीट कितनी थी भाई चौवन थी हरियाणा विधानसभा में 1967 में एक साल के बाद जो सीटें हो गई वो कितने हो गई भाई 81 हो गई इक्यावन एक, इक, मतलब इक्यासी हो गई ध्यान रखना जिसमें से 10 आरक्षित थी आरक्षित समझ लो आरक्षित का मतलब रिजर्व जैसे कहते हैं ना एस सी के लिए जो कैटेगरी रिजर्व है कहने का मतलब 10 बंदे तो एस सी ही विधानसभा के अंदर सेलेक्ट होंगे मान लो ऑल ओवर में से ऐसी एस टी नहीं है तो ये दस सीट खाली रह जाएंगी बट यहां पर ये रिजर्व है कि इनमें ऐसी एस टी ही क्या होगा भाई सिलेक्ट होगा तो 1967 में दस सीटें रिजर्व थी बात कर लेते हैं प्रेजेंट की फिर 1977 में विधानसभा की सीटें बढ़ाकर नब्बे कर दी गई ठीक है कितनी कर दी गई भाई नब्बे कर दी गई और आरक्षित सीट सत्रह है आज की डेट में आपसे कोई पूछे विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं तो जस्ट रिमेंबर सेवनटीन है सत्रह हैं आरक्षित सीटें आपको ध्यान रखनी है ये चीज ठीक है विधायकों की नब्बे होती है एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जा सकता है बट आपको आंसर नब्बे ही करना है नाइनटी नहीं करना है विधानसभा का कार्यकाल वैसे तो पांच वर्ष होता है ठीक है ऐसा कोई सिनेरियो हो भाई कुछ आपात हो जाए कुछ दिक्कत आ जाए विधानसभा भंग हो जाए वो एक आधी चीजें होती है रेयर होता है बट कार्यकाल बेसिकली पांच साल का होता है पांच साल बाद इलेक्शंस होते हैं आपको पता है अब इलेक्शंस आने वाले हैं ठीक है हाँ तो हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका यहां से क्वेश्चन याद करना सदन संदेश ठीक है हरियाणा विधानसभा की अपनी एक पत्रिका है मंथली मंथली आती है 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 जिसका नाम है सदन संदेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट रिमेंबर दिस हरियाणा का डिजाइन उसी ने तैयार किया था जिसने संसद वगैरह के डिजाइन को तैयार किया था मतलब वहीं से पॉइंट आउट किया गया है ली कार्बुजियर वगैरह ने इसको क्या किया था भाई किया था मतलब जिसने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था ठीक है ये फ्रांस का था आ, संसद को तो डिज़ाइन किया था लुटियंस ने ठीक है लुटियंस संसद ऐसे लगती है ना ऐसे लुटिया जैसी इसी नीचे से लुटियंस ने किया था संसद को ली कार्बुजियर इसने चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया था ठीक है तो हरियाणा विधानसभा को भी सीधी सी बात है चंडीगढ़ को डिजाइन किया तो हरियाणा विधानसभा का जो एक लुक है उसको किसने डिजाइन किया था भाई ली कार्बुजियर ने किया था जो कि फ्रांस का था ठीक है उसका जो गेट है जैसे फ्रांस की कॉपी किया गया था मतलब इस टाइप से चीजें की गई थी आपको ध्यान रखना है अब हरियाणा में दस एम होते हैं तो ये नहीं है कि आ, मतलब सॉरी नब्बे एम होते हैं ठीक है सॉरी एमपी मुझसे निकल गया एमएलए ठीक है एमपी बताऊंगी एमपी दस मेरा क्यों निकल गया लोकसभा के अंदर ठीक है लोकसभा में दस एम पी होते हैं संसद की हरियाणा से चलो ये क्वेश्चन है दिमाग लगा के याद ही कर लेना क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी स्क्रीनिंग में पूछा गया था कि हरियाणा की संसद में कितनी सीटें हैं बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहां पर संसद आपको पता है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं लोकसभा में दस सीटें है सीटे हैं और राज्यसभा में हरियाणा की पांच सीटें हैं तो क्वेश्चन पूछा था टीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर हरियाणा में संसद की कितनी सीटें हैं तो संसद की जो हरियाणा में सीटें हैं वो पंद्रह काउंट होंगी कि दस लोकसभा से होगी और पांच राज्यसभा से हैं तो ध्यान रखना लोकसभा अलग पूछे दस राज्यसभा पूछे तो पांच टोटल संसद में हरियाणा की तरफ से कितनी सीट है तो पंद्रह है बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एम की नब्बे विधायक अब नब्बे विधायक तो बन गए एमएलए तो बन गए लेकिन क्या मंत्री नब्बे के नब्बे बनते हैं नहीं मंत्री तो कोई कोई होता ना भैया शिक्षा मंत्री बन गया ये मंत्री बन गया वो मंत्री बन गया तो ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि, कि कितना अधिकतम मंत्री कितना हो सकता है तो नियर अबाउट फिफ्टीन परसेंट चौदह बस इतने ही मंत्री बनाते हैं ठीक है मंत्री ये नहीं है कि नब्बे के नब्बे एमएलए मंत्री बन जाएंगे ठीक है फिर उनमें से जो खास होते हैं जो स्पेशल होते हैं प्रसिद्ध होते हैं उनको किसी किसी डिपार्टमेंट को हैंड करके मतलब उनका जो है मंत्री बना लिया जाता है हरियाणा में ये एक आम क्वेश्चन है इतना ये नहीं पूछते हैं सेंटर लेवल पे पॉलिटी में पूछते हैं कि जैसे एक बैठक करनी है मान लो विधानसभा की आपको एक बैठक लेनी है तो क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट बंदे हो मतलब नब्बे में से वन मतलब कहते हैं ना दसवां हिस्सा जरूर होना चाहिए आपको बैठक लेने के लिए यदि दसवां हिस्सा भी प्रेजेंट नहीं है तो आप बैठक नहीं लोगे तो ये तो कुछ जनरल सी बातें हैं जो आपके हरियाणा के एग्जाम के लिए इतना नहीं आती बेसिकली स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं ना पॉलिटी वाले उस पर ज्यादा पूछते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कितनी विधानसभा आज तक हुई है वर्तमान में कौन सी चल रही है किससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान में चल रही है चौदवी विधानसभा ठीक है याद रखेंगे इसको वर्तमान में चल रही है चौदहवीं विधानसभा उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगी बिल्कुल और पहली से पढ़ लेते हैं एक बार ठीक है आर्टिकल वन सेवनटी के अंदर विधानसभा की बातें हैं विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं फर्स्ट जो विधानसभा थी एक नवंबर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स से अट्ठाईस फरवरी नाइनटीन सिक्सटी सेवन पहली विधानसभा थी हरियाणा में जिसमें सीएम आपको पता है मनोनीत किए गए थे आपके भगवत दयाल शर्मा मैंने सीएम पढ़ाया उसमें आपको बता दिया था ठीक है तो पहला विधानसभा के जो अध्यक्ष बनी थी वो शन्नो देवी बनी थी ठीक है कौन बनी थी भाई शन्नो देवी उस टाइम सदस्य थे चौवन आपको ध्यान रखना है सदस्य से चौवन सबसे छोटी विधानसभा आप इसको कहोगे क्योंकि चौवन के बाद तो बढ़ते जा रहे हैं ठीक है और आरक्षित सीटें उस टाइम कितनी थी भाई दस तो पहली विधानसभा से आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है पहली विधानसभा स्पीकर डेड इज शन्नो देवी दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कितने सदस्य थे पहली विधानसभा में चौवन फिर आपकी दूसरी विधानसभा होती है भाई दूसरी जो विधानसभा होती है सत्रह मार्च 1967 से लेकर 21 नवंबर 1967 तक दूसरी विधानसभा आपकी होती है इसमें चौवन से बढ़ा के सीटें कर दी गई भाई 81, जैसे मैंने आपको बताया कि 1967 में शीटे कर दी गई कितनी भाई 81 कर दी गई थी इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो श्री श्रीचंद मनफूल रहे थे अध्यक्ष दूसरी विधानसभा वैसे दूसरी विधानसभा मतलब अध्यक्ष पता आपसे एग्जाम में पहली का पूछ लेंगे लास्ट का पूछ लेंगे या कोई अध्यक्ष कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो खास उसने कुछ यूनिक करा हो तो आपसे अध्यक्ष का क्वेश्चन पूछ लेंगे ठीक है अब दूसरी विधानसभा में जो खास बात थी तो ये पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी मतलब इसमें कांग्रेस के पर्सन नहीं थे पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी आपको ध्यान रखना है फिर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व होती चली गई होती चली, चली गई तो श्रीचंद व मनफूल इसके अध्यक्ष रहे हैं, आपको ध्यान रखना है और इस टाइम जो आपके सीएम थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे मतलब पहली बार एक आप ये कह सकते हो क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा में उदय हुई थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी क्योंकि पार्टी बनी तभी तो सरकार बनी तभी तो विधानसभा बनी और यहां पर आपकी रिजर्व जो सीटें थी जो दस थी वो अब सत्रह हो गई थी ठीक है फिर आती है आपकी तीसरी विधानसभा जो 1968 से 1972 में चली तीसरी विधानसभा देखो टाइम ये धीरे धीरे टाइमली बीच में कम भी हो रहे हैं ठीक है इसमें अध्यक्ष थे रन सिंह अध्यक्ष कौन थे भाई रन सिंह थे आपके ध्यान रखना सीएम उस टाइम बंसीलाल थे अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा कि हरियाणा में जो पहली बार जनगणना हुई वो किस विधानसभा के टाइम के दौरान हुई ऐसे क्वेश्चन है आपको याद रखना है तो तीसरी जो विधानसभा के समय पहली बार जनगणना हुई थी तो वो तीसरी विधानसभा के समय हुई थी ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ए नाइनटीन के अराउंड तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है हाँ हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी ठीक है इसी विधानसभा क्योंकि आपको ध्यान हो मैंने को तुम्हें था, 1970 में, हर घर बिजली का, 1970, तो समय, तो कि का किस विधानसभा में रखा गया किस विधानसभा के समय हुआ था तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपका बंसीलाल को सम्मानित भी किया था इंदिरा गांधी ने इस टाइम तो काफी इंपॉर्टेंट विधानसभा थी अपने आप में तीसरी विधानसभा थी ठीक है अब चौथी विधानसभा चौथी विधानसभा 1972 से 1977 में बनी थी अब चौथी विधानसभा में क्या हुए थे आपको पता हरियाणा गठन हुआ उसमें सात डिस्ट्रिक्ट थे उस समय फिर आपको पता पहले सात के बाद चार डिस्ट्रिक्ट तो जो पहली बार डिस्ट्रिक्ट बने जो पहली बार जिले बने वो चौथी विधानसभा के टाइम में बने थे ठीक है जो तो पहली बार जिले बने वो चौथी विधानसभा के टाइम में बने थे आपको ध्यान रखना है भिवानी सोनीपत कुरुक्षेत्र सिरसा ये मैंने तुम्हें जो क्लास नंबर टू है उसमें बहुत अच्छे से लर्न करवा रखे हैं ठीक है तो आपको यहां से क्या क्वेश्चन याद रखना है कि जो हरियाणा गठन के बाद जो पहली बार जिले बने थे वो किस विधानसभा में बने थे मतलब किस विधानसभा के टाइम तो चौथी विधानसभा के टाइम बने थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे अध्यक्ष थे बनारसी दास गुप्ता इस समय ठीक है तो दिस इज पॉइंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन ये भी डाल सकता है डीप बनाएगा हरियाणा जी को क्योंकि कौन सा जिला उस समय नहीं बना था तो सोनीपत भिवानी कुरुक्षेत्र और सिरसा बने थे इस विधानसभा 1972 में भिवानी और सोनीपत 73 में कुरुक्षेत्र और सिरसा 75 में ठीक है तो यहां से एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पांचवी विधानसभा में खास क्या हुआ था भाई पांचवी विधानसभा में सीटें एट्टी वन कर दी गई एट्टी वन से बढ़ा के नाइन्टी कर दी गई मतलब कंप्लीट सीटें हो गई थी वर्तमान में भी नब्बे ही सीटें हैं यहां से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है फरीदाबाद जिला बना था इस समय में खास इतना डीप नहीं जाएंगे कि कौन सी विधानसभा में कौन सा जिला बना यहां तो पहली बार बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना ठीक है तो छठी विधानसभा के टाइम कोई खास काम नहीं हुआ था मतलब ज्यादा छठी विधानसभा में तारा सिंह थे और कम समय के लिए अध्यक्ष रहे थे बस ये वाला क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा फिर जो सातवीं विधानसभा रही थी भाई सातवीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उसक... उनका नाम था हरमेंद्र सिंह चडा ठीक है सातवीं विधानसभा का अध्यक्ष थे हरमेंदर सिंह चड्डा अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे हरमेंदर सिंह चड्डा ठीक है तो ये यह आपको यहां से पॉइंट जो है क्या है याद रखना है जो कि सातवीं विधानसभा के समय अगेन चार जिले आपको याद हो होगा अगेन चार जिले यहां पर बने कैथल कुरुक्षेत्र रेवाड़ी और यमुनानगर ठीक है तो इस विधानसभा में चार और मतलब जिले आप कह सकते हो बने फिर आठवीं विधानसभा की बात कर लेते हैं आठवीं विधानसभा में खास क्या हुआ था भाई आपको पता पानीपत दो बार जिला बना है तो आठवीं विधानसभा में पानीपत का क्या हुआ भाई पुनर्गठन हुआ था ईश्वर सिंह इसके अध्यक्ष रहे थे यहां पर ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है बाकी यहां से जो वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दिस इज द क्वेश्चन पहली बार हरियाणा में पंचायती राज ठीक है 22 अप्रैल उन्नीस से ठीक है 22 अप्रैल उन्नीस याद रखेंगे पंचायती राज आया था हरियाणा में तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस विधानसभा के समय हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था तो आठवीं विधानसभा के समय ठीक है ये क्वेश्चन आपको याद रखना है नेक्स्ट आते हैं नौवीं विधानसभा नौवीं विधानसभा की यदि बात करें तो नौवीं विधानसभा में शराबबंदी का ट्रेंड आया था शराबबंदी की गई थी तो नौवीं विधानसभा में शराबबंदी का जो है ट्रेंड आया था बहुत ज्यादा कि शराब नहीं पीनी है जो आज तक बंद हुई नहीं है बट बंसीलाल जी ने काफी अच्छे एफर्ट्स करे थे है ना निर्माता है तभी हरियाणा का बोलते हैं जो दसवीं विधानसभा है तो उसमें सतबीर सिंह काद्यान जो है बने थे सतबीर सिंह काद्यान दसवीं विधानसभा में क्या बने थे भाई अध्यक्ष बने थे तो दसवीं विधानसभा के टाइम मेवात का गठन हुआ था सत्यमेवपुरम 2004 आपको पता 2005 4 अप्रैल पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम था वर्तमान में इसका नाम नूहू है तो मे भी मेवात केडर वाले थोड़ा सा याद कर लेना ये क्वेश्चन ठीक है कि दसवीं विधानसभा के समय मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है बना था वैसे ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मेवात केडर वालों को मेवात के क्वेश्चन पूछे वो तो भई रैंडम सी बात है एक आधा मेवात का क्वेश्चन आता तो थोड़ा सा मेवात केडर वाले ध्यान दे सकते हैं ठीक है इलेवेंथ जो विधानसभा थी जो ग्यारहवीं विधानसभा थी दो से दो तक उसमें आपका जो हरमिंदर सिंह चड्डा बने थे ठीक है रघुवीर का अध्ययन की जगह आपको पता ये बाद में ये बन जाते हैं पलवल जिला बना ये तो आपको देखो सीधी बात है यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं आपको सारे जिले याद है पलवल 2008 में बना जिले मैंने तुम्हें याद करवा रखे जिस विधानसभा के समय जो बना है तो वो एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाता है ठीक है हाँ तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो क्या आपको याद करना है इस टाइम सीएम आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे ठीक है याद होगा 2005 से 2009 भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे हैं सीएम के रूप में लगातार सबसे लंबा कार्यकाल मतलब रहा है लगातार दो बार ये सीएम बने हैं ठीक है लगातार दो बार अब तो इनके कंपेरेटिव क्वेश्चन अब बनेगा तो आपके ये भी हैं कार्यकाल यदि पूरा हो जाता है हो ही अब थोड़ा सा ही तो वक्त बचा है तो ये क्वेश्चन अब दो में बढ़ जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सीएम बनने वाले और साथ में आपके मनोहर लाल खट्टर जी जो प्रेजेंट में हैं ठीक है ठीके? फिर बारहवीं विधानसभा आ जाती है बारहवीं विधानसभा में आपको यहां से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है क्या याद रखना है कुलदीप शर्मा आपके अध्यक्ष रहे थे ठीक है कुलदीप शर्मा बारहवीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और यहां पर जो आपको क्वेश्चन है दीपेंद्र सिंह को बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला था ठीक है मतलब भूपेंद्र सिंह जब अपने सीएम बने तो इनके बेटे को बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया गया था कब भाई बारहवीं विधानसभा के दौरान ठीक है अब तेरहवीं विधानसभा तेरहवीं विधानसभा के अध्यक्ष थे कंवरपाल गुज्जर ठीक है हरियाणा के इतिहास की पहली वाजपेयी विधानसभा यहां पर संतालीस सीटों पर चुनाव जीता था मतलब बिल्कुल कहते ना एक क्या बोलते हैं निर्विरोध चुनी गई थी सरकार ठीक है ना ये कह सकते हो निर्विरोध क्योंकि देखो संतालीस सीटें अकेली बीजेपी ने मारी थी मनोहर लाल मोदी जी जब नए नए आए थे ठीक है तब है ना बड़ी लहर चली थी आ, बोलते थे ना मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर, लहर तो उनका इसका इंपैक्ट हरियाणा पे ही पड़ा था पहली बार ऐसा हुआ था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से पैंतालीस तो की पार्टी बन जाती है जैसे कई बच्चे कहते हैं मैम ये पार्टी कैसे बनती है हमें समझ नहीं आता मान लो नब्बे सीटों के लिए इलेक्शन हो गया ठीक है नब्बे बच, बंदे जीतेंगे एमएलए जीतेंगे जिनके पास हाईएस्ट वोटिंग होगी हाइएस्ट वोट वाले नाइनटी क्या करेंगे भाई जीत जाएंगे लेकिन सरकार कौन बनाएगा असली मुद्दा यह है अब इन नब्बे में से कोई बीजेपी का है कोई कांग्रेस का है कोई किसी का कोई निर्दलीय है कोई कुछ है अब इनका आधा मतलब पैंतालीस प्लस वन एक कोई ऐसी पार्टी जिसके पास ये शीट चली जाती है तो वो बन जाती है सफल बहुमत से तो ये जो अपनी तेरहवीं विधानसभा हुई थी इसमें पहली बार ऐसा करिश्मा है कि वाजपेयी भाजपा जो सरकार थी बीजेपी सरकार मोदी लहर जबरदस्त थी 2014-15 आपको ध्यान ही होगा फर्स्ट टाइम मोदी जी पीएम बने थे तो इतना ट्रेंड था कि भाई मोदी लहर ने ऐसा काम करा कि यहां पर पूरी संतालीस सीटें क्या मिली भाई बीजेपी को अकेली मिली और यदि मान लो किसी बंदे को नहीं मिले जैसे कि 2000 ये जो अपनी चौदवी में हुआ चौदवी में क्या हुआ था मैं बताऊंगी जनरल सी बता रही हूं मान लो किसी को 45 नहीं मिली तो मेरे को किसी को 40 मिल गई किसी को 10 मिल गई किसी को 5 मिल गई किसी को 20 मिल गई अब मान लो ऐसी सीटें गई अलग, अलग 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 पार्टी को अब ऐसे में तो कोई भी सरकार बनाने के लायक नहीं है तो ये क्या करते हैं ये मिल जाते हैं आपने सुना होगा ना गठबंधन की सरकार अब बार भी तो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया था ना तभी तो सरकार बनी थी तो ऐसे ये क्या करते हैं फिर गठबंधन की सरकार बन जाती है सरकार तभी बनेगी जब एक सफल 45 फाइव प्लस वन एक जगह हो जाएगा तो तेरहवीं विधानसभा की खासियत ये थी इसमें पूरी सैंतालीस सीटें किसको मिली थी भाई बीजेपी को मिली थी यहाँ से ये खास जो है पॉइंट है ठीक है सीएम मनोहर लाल खट्टर बने थे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष मतलब लंबे समय तक हरमिंदर सिंह बने थे याद रखना हरमिंदर सिंह और सबसे कम जो कार्यकाल था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा था राव वीरेंद्र सिंह का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छह दिन ठीक है नोट तारा सिंह सॉरी राव वीरेंद्र सिंह छह दिन अध्यक्ष रहे थे सिर्फ छह दिन के लिए मात्र अध्यक्ष रहे थे यहां से आपको यह पॉइंट भी याद रखना है ठीक है बाद में सीएम वगैरह बन जाते हैं और यहां पर अब प्रेजेंट चल रही है चौदहवीं विधानसभा अब प्रेजेंट है तो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंट आपको अच्छे से याद करनी है चौदहवीं विधानसभा प्रेजेंट विधानसभा है आपको पता है तो इसमें बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है अब इसके अंदर क्या हुआ था भाई आपके जो स्पीकर हैं मतलब अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता हैं पंचकुला से आपके अध्यक्ष जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता हैं आपको पता होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष हैं ठीक है ठीके? और यहां पर क्या हुआ था आपका उप मुख्यमंत्री अब तक ये मैं आपको मंत्री मतलब सीएम वाले में अच्छे से पढ़ा चुकी हूं छह उप मुख्यमंत्री बने हैं आज तक चांद राम मंगलसेन हुकम सिंह कई बार क्या होता है आपको पता है यहाँ सफल बहुमत नहीं मिला था चौदवी विधानसभा जब हुई तो किसी भी पार्टी को सफल बहुमत नहीं मिला था तो दुष्यंत चौटाला वाली जो पार्टी है एक कभी तो कहती कांग्रेस से मिलूंगी कांग्रेस से मिल जाती तो भी कांग्रेस नहीं जीतती फिर उनको और सीट चाहिए थी तो बाकी तीन चार पार्टी मिलकर फिर एक सरकार बनाती तो भाई दुष्यंत चौटाला को लगा चलो मैं मनमोहन इनके साथ मिल जाता हूँ मनोहर लाल खट्टर के साथ और हम पार्टी बना लेंगे मतलब सरकार जीत जाएगी तो उसने कहा भाई मैं तेरे को अपना इतना सारा बहुमत दूंगा मैं तेरे को अपनी मत दूंगा तो मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए तो कहते भाई तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे डिप्टी सीएम बना देंगे ठीक है तो छ ही बार आज तक ऐसा हुआ है तो चांद राम मंगलसेन हुकम सिंह बनारसी दस गुप्ता चंद्रमोहन बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला छह ही उप मुख्यमंत्री बने हैं समझ गए उप मुख्यमंत्री तभी बनते हैं सब मैंने आपको बता दिया भाई मुख्यमंत्री ढंग से ना बन पा रहे उनको कोई स्पोर्ट दे रहा वो कहता भाई मैं स्पोर्ट दूंगा या तो मुझे सीएम बना या कुछ और बना ऐसे थोड़ी ना दूंगा तो मतलब इस चक्कर में ठीक है और हरियाणा के सबसे युवा है ये आपको ध्यान रखना है युवा एमएलए या कुछ भी कह दो युवा मुख्यमंत्री ठीक है आपके दुष्यंत सिंह चौटाला है हाँ, संविधान में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है उप मुख्यमंत्री का जनरल बना देते हैं मतलब इस तरीके से अड़सठ पॉइंट इकतीस परसेंट यहाँ पर चुनाव रहा था क्योंकि लास्ट चुनाव यही माना जाएगा ना हमारा अब इसके बाद पंद्रहवीं विधानसभा के तो इलेक्शन होंगे अब ठीक है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लो तेरहवीं विधानसभा में जो चुनाव हुआ था छिहत्तर परसेंट रहा था लेकिन यहाँ पर अड़सठ पॉइंट इकतीस परसेंट रहा है चुनाव वोटिंग पुरुषों की हुई थी सिक्सटी नाइन परसेंट महिलाओं की हुई थी सिक्सटी सेवन परसेंट वोटिंग ठीक है एक करोड़ इकसठ लाख अट्ठावन हजार समथिंग मतलब काफी वोटर्स जो है भड़े हैं यहां पर 105 महिलाएं भी उठी थी वही इलेक्शन में तेरहवीं जब विधानसभा हुई थी उसमें तेरह महिलाएं जीती थी मतलब तेरह महिला एमएलए बनी थी लेकिन अब की बार नौ महिलाएं एमएलए बनी है ठीक है अब की बार क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ तो नौ महिलाएं जीती थी अब की बार ठीक है सबसे ज्यादा मतदान आपका सिरसा में रहा था सबसे कम मतदान आपका फरीदाबाद में रहा था कहने का मतलब सिरसा के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट डाल के आए भाई क्रेजी थे सेवेंटी सिक्स परसेंट और फरीदाबाद के लोग जो इतने पढ़े लिखे कहते हैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर वो फिफ्टी सेवन परसेंट वोटिंग करके आए और सिरसा जिसको कम पढ़ा लिखा एरिया कम पढ़ा लिखा तो नहीं कहेंगे कम पढ़ा लिखा मेवाद को बोलते हैं खैर आजकल सब बराबर है बट बर जनरल बता रही हूँ कि एनसीआर के पास देखो कम वोटिंग हो रही है और जो इधर है ये ज़्यादा वोटिंग हो रही है उन्नीस मतदान केंद्र बनाए गए थे मतलब जहां पर वोट डालनी थी ठीक है सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हिसार से रही थी सात मतलब हिसार से सात एमएलए बने थे पंचकुला से दो बने कालका और पंचकुला ठीक है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको हरियाणा ने शुरू किया था सबसे पहले ठीक है तो वैसे तो गोवा ने शुरू किया था इंडिया में बट मतलब ठीक है पंचायती राज 2007 पंचायती राज में किया था सबसे पहले आ, दो हजार में ठीक है लेकिन ऑल ओवर इंडिया में संपूर्ण रूप से मतलब कहते हैं ना हरियाणा तो एक ही छोटा सा स्टेट है ना तो हरियाणा ने किया लेकिन बट ऑल ओवर इंडिया में यदि बात करें ऑल ओवर इंडिया में तो सबसे पहले 1982 में मतलब हरियाणा में जो ईवीएम का प्रयोग किया गया वो पंचायती मतलब एमएलए की बजाय जो पंचायती राज हुए थे ना उनमें सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ठीक है लेकिन संपूर्ण रूप से गोवा में किया गया था वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट वो मतलब पूरा हर तरीके से ठीक है मतलब एक तरह से जैसे वेरीफाई करा गया पहले इलेक्शन का एक डेमो होता वो जींद में किया गया था ये मैं आपको पढ़ाई चुकी हूं तीन बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है ये मैंने आपको राष्ट्रपति के कंटेंट में पढ़ाई दिया था ठीक है लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं हरियाणा के ये आपके मनोहर लाल खट्टर है ना और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कुछ यहाँ से बाकी लग ये बंदे हैं जो लगातार बन रहे बंसी लाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर ठीक है और अनमेरिड सी एम है भाई आपके अनमेरिड सी एम है ये ये भी पता होगा और दुष्यंत चौटाला को आप भली भांति जानते ही हैं जो चौटाला परिवार से ही हैं तो युवा मुख्य मु, युवा मंत्री बने हैं 2014 में ये सांसद भी रहे थे ठीक है तो जननायक पार्टी है जो ताऊ देवीलाल वाली जी इसको बोलते हैं आप इस पार्टी से थे ये दुष्यंत सिंह चौटाला ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो रिसेंट विधानसभा है उसके और ये भी क्वेश्चन याद रखना दो में कह रहे हैं कि विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 126 कर देंगे ठीक है विधानसभा की सीटें दो में कह रहे हैं 126 सीटें हम कर देंगे बाकी कोई देखो ज्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन तो यू तो हद से ज्यादा बन जाएंगे ठीक है क्वेश्चंस कितने ही कर लो बट मेन क्वेश्चंस मैंने हरियाणा के विधानसभा से आने वाले आपको करवाई दिए हैं सो गाइज so आपको ये हरियाणा जी के सीरीज पसंद आ रही है इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू यू लाइक डोंट फॉरगेट टू यू कमेंट ब्लो बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रीड योर कमेंट्स एंड गिव दम हार्ट बाय टेक केयर थैंक यू सो मच हाय एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार कैसे हो सभी लोग आज ये भाई फटाफट सो अल्टरनेट डेज पे हम अपने हरियाणा जी के करते हैं तो आज का दिन चला ही जाता बहुत सारे काम हो जाते हैं जिंदगी में कभी कभी कि लेट हो जाता है इंसान बट आपको पता है मेरे को आना है तो आऊंगी चाहे लेट आऊ जैसे मर्जी आऊँ बट मुझे क्लास लेनी होती है तो लेनी होती है ठीक है तो चलो आज की क्लास अपनी अल्टरनेट डेज पे हरियाणा जी की सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्यों होने वाली है ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट अपकमिंग जो भी एग्जाम है ना कन्फर्म है एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बोल रही हूँ जरूर आएगा लास्ट क्लास में मैंने आपको हरियाणा के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स करवाए थे कि हरियाणा का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कहाँ पे है और कब एस्टेब्लिश हुआ था आज हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में ये रिसेंट है आप इसको करंट का भी कंटेंट मान के चल सकते हो ये दो हजार -20 की रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है जो हरियाणा में हुई है जिनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और दूसरी बात आपकी सवा बजे भी एस प्रैक्टिस सेट की क्लास है ठीक है वो भी अटेंड कर लेना तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं ये पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल के छोड़ दी है निशा शर्मा वाले टेलीग्राम पे और एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है तो कौन सी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है उनकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष आज वाली पीडीएफ थोड़ी बलर ब्लर गई जल्दी में कोई बात नहीं सुन लो सुन लो पीडीएफ तुम्हारे पास है टेलीग्राम पे देख लेना विधानसभा अध्यक्ष अपना जो विधानसभा अध्यक्ष है आपको पता हरियाणा में विधानसभा सबसे इंपॉर्टेंट है तो विधानसभा अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष प्रेजेंट में है ज्ञान गुप्ता ठीक है ज्ञान ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में जो कहां से हैं भाई पंचकुला से हैं आपको क्या है ये ध्यान रखना है ज्ञानचंद गुप्ता जो कि पंचकुला से हैं फिर हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष तो एग्जाम्स में इतनी बार पूछी गई है रिपीटेडली पूछी गई है आपको ध्यान रखना है ठीक है तो शनो देवी आपको ध्यान रखना है पहली विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो शनो देवी थी और प्रेजेंट आपको प्रेजेंट पे काम करना प्रेजेंट ज्यादा पूछ रहा था पहला और प्रेजेंट दोनों चीज पता होना चाहिए पहले के अलग से वीडियो बनाऊंगी फर्स्ट इन हरियाणा वो अलग से कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट का तो फर्स्ट इन हरियाणा को हम अलग बनाएंगे तो आज हम अपॉइंटमेंट्स पे काम करेंगे ठीक है तो ज्ञान चंद गुप्ता है आपको ध्यान रखना और सेकंड जो बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह बने थे फर्स्ट शनो देवी सेकंड राव वीरेंद्र सिंह आपको ये ध्यान रखना है फिर हमारे यदि संसदीय मंत्री की बात करें शिक्षा मंत्री परिवहन मंत्री कौन है तो एवरीबडी नोज डेट इज कवर पाल गुज्जर तो कवर पाल गुज्जर जी हैं अपने शिक्षा मंत्री पर्यटन मंत्री तो ये कवरपाल गुजर हैं। फिर हरियाणा और पंजाब मुख्य न्यायाधीश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पैंतीसवें न्यायाधीश है आपको ध्यान रखना है पैंतीसवें न्यायाधीश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रवि शंकर झा ठीक है रवि शंकर झा स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है ये अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम में ठीक है तो रवि शंकर झा हरियाणा और पंजाब के क्या है भाई मुख्य न्यायाधीश है कौन रवि शंकर झा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यू कैन मार्क द स्टार कौन से नंबर के हैं ये भी याद करना पैंतीसवें नंबर के हैं ठीक है फिर हरियाणा का लोकायुक्त कौन है तो हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं वो कौन है भाई जस्टिस हरिपाल वर्मा ठीक है जस्टिस हरिपाल वर्मा तो हरियाणा के लोकायुक्त की बात करें तो हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं वो हैं आपके जस्टिस हरिपाल वर्मा तो हरियाणा के क्या है भाई लोकायुक्त है आपको ध्यान रखना यह भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है विधानसभा के उपाध्यक्ष देखो अध्यक्ष सब याद कर लेंगे लेकिन उपाध्यक्ष शायद कई बच्चे मिस कर देते हैं तो उपाध्यक्ष मिस कर देते हैं आपको ध्यान रखना उपाध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए तो उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष है रणवीर सिंह ठीक तो है तो उपाध्यक्ष है रणवीर सिंह आपको ध्यान रखना है उपाध्यक्ष कौन है रणवीर सिंह तो आपको ये चीज क्या है ध्यान रखनी है नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है यदि हम बात करें मुख्य सचिव इंदू यादव आप मुझसे पर्सनली बात करना मैं सोल्व करूंगी आपके इश्यूज मैं बताऊंगी कहाँ क्या है हरियाणा के मुख्य सचिव है आपने शायद कल ही कोर्स लिया वही स्टूडेंट हो ना ऐप पे बोल रहे थे मैं माजी

जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि किसकी जगह बने हैं विजयवर्धन की जगह प्रेजेंट में मुख्य सचिव कौन है संजीव कौशल हैं कौन से हैं पैंतीसवे तो वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ रणबीर रन, सिंह गंगवा इनका पूरा नाम इनका गंगवा भी है इनके नाम के आगे ठीक है ये याद रख रहे भाई उपाध्यक्ष विधानसभा के क्योंकि अध्यक्ष तो सब याद रखते हैं अध्यक्ष को सभी याद रखेंगे यानचंद गुप्ता बट आपको उपाध्यक्ष भी याद रखना है रणबीर सिंह गंगवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिर बात कर लेते हैं हरियाणा का महा अधिवक्ता कौन है तो हरियाणा का महा अधिवक्ता की बात करें तो बलदेव राज महाजन है ठीक है महा अधिवक्ता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आ जाता है तो महा अधिवक्ता की बात करें तो बलदेव राज महाजन है जो कि बाबू स्वरूप आनंद की, की जगह जो सॉरी फर्स्ट पूछे आपसे क्योंकि महा अधिवक्ता है तो फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फर्स्ट यदि पूछे तो बाबू स्वरूप आनंद फर्स्ट महा अधिवक्ता थे याद रखेंगे ठीक है फिर हरियाणा के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है तो हरियाणा के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा ठीक है आलोक वर्मा ये कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आने वाला है इंटरेस्ट आने के लिए बहुत टॉपिक है मेरे पास हरियाणा जी के पढ़ाने के लिए मंदिर मस्जिद मेले डांस वांस सब कुछ इंजॉय करवाऊंगी लेकिन फिलहाल मेरा मकसद है कि जिनका उनतीस तारीख को पेपर है टीजीटी स्क्रीनिंग का मैं वो चैप्टर्स डिलीवर कर दूं जहां से कंफर्म क्वेश्चन आने हैं ठीक है चाहे आपको बोरिंग ही लगे मतलब मजा ही ना आए चाहे इनको पढ़ने में बट ये पीडीएफ आपके पास होगी एक बार रिवाइज कर जाना क्वेश्चन पक्का मिलेगा ठीक है तो इस टारगेट से मैं क्लास दे रही हूँ ट्वेंटी नाइन तक और बाद में टॉपिक्स तो सारे करवाने तुम्हें पूरा एंजॉय होएगा जब हरियाणा के नृत्य वृत्य और ये सब करेंगे टॉपिक ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखना लोक सेवा आयोग आलोक वर्मा है आलोक वर्मा कौन है हरियाणा के लोक सेवा आयोग है ठीक है फिर हरियाणा के राज्यपाल तो सबको पता होगा भाई ये हरियाणा में रह रहे हो तो हरियाणा का सीएम और हरियाणा का राज्यपाल किसी को ना पता हो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं होगा तो हरियाणा के राज्यपाल आपको पता है हैदराबाद से हैं बंडारू दत्तात्रेय तो ये हरियाणा के क्या हैं भाई राज्यपाल हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए और हरियाणा के राज्यपाल के सचिव भी हैं शेखर विद्यार्थी तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है ठीक है सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे वी बी चक्रवर्ती इनको हम हरियाणा पोलिटिकल में पढ़ेंगे डिटेल से फिर आपको पता है जो अपना सीएम होता है ठीक है तो सीएम के साथ हमेशा एक ऑफिसर स्पेशल रहता है ड्यूटी पर ठीक है तो सीएम के साथ एक ऑन ड्यूटी स्पेशल ऑफिसर रहता है आपको ध्यान रखना है ठीक है तो हाँ ये मतलब जैसे कोई लोग अपने गांव का सरनेम नहीं लगा देते तो रणबीर सिंह गंगवा तो गांव की ही जाति वाला जो गांव का ही सरनेम है उसने वही यूज करा अपने पीछे ठीक है तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तो स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर भाई जो सीएम के साथ हमेशा रहता है स्पेशल तो उसका नाम है जवाहर यादव ठीक है उसका नाम क्या है भाई जवाहर यादव है ठीक है हाँ जवाहर यादव फिर है एच सचिव एच सचिव की बात करें तो एच का सचिव है विराट ठीक है सचिव ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं जो कि आपको भोपाल सिंह खतरी पक्का याद रहता है लेकिन वो अध्यक्ष है तो डिफरेंस याद रखना आपसे पेपर में कहीं सचिव पूछे और आप भोपाल सिंह टिक कराओ ऐसा नहीं करना है आपको ठीक है तो एच एस के जो सचिव है वो विराट है लेकिन एच एस के जो अध्यक्ष है वो गोपाल भोपाल सिंह खत्री है सबको पता है ठीक है नेक्स्ट है सीएम का सलाहकार भाई मुख्यमंत्री है तो उसके साथ सब चलेगा ठीक है तो उसके साथ सब चलेगा तो सीएम के सलाहकार हैं भारत भूषण भारत भूषण जो पहले एचएसएससी के चेयरमैन एच के अध्यक्ष होते थे अब वो सीएम के क्या हैं भाई सलाहकार हैं। आपको ध्यान रखना है तो भारत भूषण भारती अब सीएम के क्या हैं? सलाहकार हैं। आपको ये भी चीज क्या है ध्यान रखनी है फिर मुख्य सूचना आयोग आयुक्त मुख्य सूचना मुख्य देखो सूचना आयोग के दो अध्यक्ष हैं एक सूचना आयोग के दो अध्यक्ष हैं वो एस एस फुलिया है लेकिन चीफ अध्यक्ष की बात करें चीफ शब्द जुड़ के आ जाए तो डिफरेंस याद रखना चीफ अध्यक्ष आपका विजय वर्धन है और वैसे आपका अध्यक्ष एस एस फुलिया है ठीक है चीफ लिख के आए तो वर्धन करोगे ठीक ठीक है फिर हरियाणा में आपको पता गो सेवा समिति आजकल बहुत ट्रेंड में है गो सेवाओं की रक्षा करने के लिए तो हरियाणा में गो सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं गो सेवा आयोग के अध्यक्ष वो श्रवण कुमार गर्ग हैं ठीक है गो सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई श्रवण कुमार गर्ग हैं जो कि गो सेवा आयोग के क्या है अध्यक्ष है आपको ध्यान रखना है फिर हरियाणा में राजस्व विभाग के जो अध्यक्ष हैं राजस्व विभाग के जो हरियाणा में अध्यक्ष हैं वो आपके वी कुंडू हैं ठीक है वो आपके कौन है वी कुंडू हैं आपको ध्यान रखना है ये भी फिर हरियाणा में जो मानव अधिकार आयोग है तो मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन की यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है थैंक यू सो मच उमा मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं सतीश कुमार मित्तल हैं इंपॉर्टेंट है ये भी ह्यूमन राइट चेयरमैन पूछा जा सकता है एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन हैं वो कौन है भाई सतीश कुमार मित्तल हैं कौन है सतीश कुमार मित्तल तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान रखना है फिर आपको पता है एक एडवोकेट जनरल होता है एक Ad, मतलब एडिशनल एडवोकेट जनरल होता है एक एडिशनल रखा जाता है तो एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन है तो एडिशनल एडवोकेट जनरल है प्रेजेंट में लोकेश सिंगल ये सभी मैं प्रेजेंट बता रही हूं 2022-23 का सारे अपॉइंटमेंट है ठीक है फिर हरियाणा का राज्यपाल मतलब हरियाणा का जो राज्यपाल है उसका सचिव कौन है मतलब जो राज्यपाल है अपना उसका सचिव कौन है ठीक है तो उसका सचिव कौन है भाई शेखर विद्यार्थी ठीक है उसका सचिव कौन है शेखर विद्यार्थी तो उसका सचिव कौन है भाई शेखर विद्यार्थी है तो राज्यपाल का सचिव कौन है शेखर विद्यार्थी एल्फा क्या लिखा हुआ आपने एल्फा नोट नॉलेज ये तो गूगल पे देखते हैं इसका क्योंकि तो गूगल पे जब आप लिखते हो अपॉइंटमेंट्स ऑफ हरियाणा अपॉइंटमेंट तो वीएस कुंडू ही लिखा है तो बाकी मैं चेक कर दे दूंगी वीएस का पूरा नाम क्या है तो राज्यपाल सचिव शेखर विद्यार्थी ठीक है राज्यपाल सचिव कौन है भाई आपको ध्यान रखना है शेखर विद्यार्थी राज्यपाल के सचिव बहुत बार आता है ये क्वेश्चन तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन ठीक है फिर आपको याद करेंगे लोकायुक्त तो आपके जो लोकायुक्त है वो हरिपाल वर्मा है लोकायुक्त कौन है हरिपाल वर्मा है आपको ध्यान रखना है लोकायुक्त कौन है हरिपाल वर्मा है ठीक है 1997 में जो फर्स्ट लोकायुक्त बने थे आईपी वशिष्ठ थे तो वो आपको ध्यान रखना है। देखो ये क्वेश्चन को बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार समझना ठीक है सबसे पहले लोकायुक्त बनाए गए थे 1997 के अंदर। तो पहला लोकायुक्त बनाया गया था आईपी वसिष्ठ को यह क्वेश्चन जो आपका एस्टेट के एग्जाम में आया था प्रेजेंट जो एस्टेट में क्वेश्चन था जिसपे मुद्दा बना हुआ था ध्यान से सुनो प्रेजेंट की बात करें आज फिलहाल आज की डेट में कौन है हरिपाल वर्मा है ठीक है आज की डेट में लेकिन जो पहला लोकायुक्त बना था जो पहला बना था वो आईपी वशिष्ठ बना था 1997 में जब ये पोस्ट शुरू हुई तो आपका आईपी वशिष्ठ बन गया फिर कहते हैं इस पोस्ट को बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए लोकायुक्त वाला जो ट्रेंड है वो बंद कर दिया गया था जब इस ट्रेंड को बंद करके फिर ये दोबारा आया ठीक है तो जब ये पोस्ट मतलब दोबारा आई तो दोबारा जो लोकायुक्त बनाए गए वो श्री प्रीतम पाल बनाए गए थे ऑफिशियली जो दोबारा बनाए गए थे श्री प्रीतम पाल बनाए गए थे। अब बात आती है कि मैम हम आईपी वशिष्ठ को टिक करें या प्रीतम पाल को टिक करें तो लोकायुक्त की जो पोस्ट थी वो सबसे पहले 1997 में आई थी और वीरेंद्र सिंह वीएस का मतलब वीरेंद्र सिंह कुंडू ठीक है वीएस मतलब वीरेंद्र सिंह कुंडू ठीक है सॉरी हाँ हम 1997 में आपका आईपी वशिष्ठ थे फर्स्ट और फिर 2011 में प्रीतम पाल थे तो यहां पर अब देखा जाए तो ये भी फर्स्ट है ऑफिशियली और ये भी फर्स्ट है तो एस्टेट की जो आंसर की है उसने प्रीतम पाल को माना था फर्स्ट जो है प्रीतम पाल को माना था तो पाल के साथ आप जा सकते हो फर्स्ट क्योंकि ऑफिशियली ये पोस्ट तब से फिर कभी भी खत्म नहीं हुई है कॉन्टिन्यूसली चल रही है तो इसीलिए प्रीतम पाल को यहां पर कंडक्ट किया गया था लेकिन लेकिन फर्स्ट की बात आती है तो मुझे जहां तक ध्यान इस पे ऑब्जेक्शन लगा था ना इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था ना एस्टेट ने और फिर रिवाइज आंसर आंसर की की में की तो खैर उन्होंने दी नहीं थी लेकिन इन दोनों को ही वालों ने तो सही मान तो पूछे, पूछे तो तो. हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर हरियाणा सरकार की जितनी भी पब्लिसिटी करते हैं वो कौन करते हैं भाई तरुण भंडारी ठीक है देख लो सरकार का एक एक बंदा एक एक बंदा कुछ ना कुछ है कोई सलाह दे रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई पब्लिसिटी कर रहा है देख लो सरकार के पास कितने बंदे हैं ये रिसेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है सोनीपत की पुलिस कमिश्नरी का जो कमिश्नर बना है रिसेंटली तो रिसेंट बना है तो एग्जाम में आ सकता है ध्यान रखना सतीश बालन रिसेंटली बना है तो एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है याद रखेंगे ठीक है पुलिस महानिदेशक कौन है अपने भाई आपके पीके अग्रवाल है पीके मतलब प्रशांत कुमार ठीक है प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं तो पी के हैं पुलिस महानिदेशक आपको याद रखना है जिसकी फुल फॉर्म होती है मैं कोशिश करती हूँ हमेशा उसको सर्च आउट करके लिखने की ठीक है ना तो सबकी होती है खैर कोई ना कोई तो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं पुलिस महानिदेशक हैं आपको ध्यान रखना है प्रशांत कुमार अग्रवाल ठीक है हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा में जो पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया है तो उस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई वो राघवेंद्र राव हैं ठीक है उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है राघवेंद्र राव हैं ठीक है ध्यान रखना राघवेंद्र राव हैं नेक्स्ट व्यापारियों के कल्याण के लिए जो बोर्ड बनाया है उसके जो अध्यक्ष हैं वो है बालकृष्ण अग्रवाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बालकृष्ण अग्रवाल लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे सामाजिक न्याय और कल्याण सामाजिक न्याय कल्याण और जो माइनर्स होते हैं अल्पसंख्यक होते हैं इस टाइप के जो भी होते हैं ठीक है सुशीला शर्मा इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी लास्ट में सामाजिक न्याय कल्याण सामाजिक न्याय कल्याण के जो अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं भाई के एम पांडुरंग तो याद रखना जैसे अल्पसंख्यक माइनोरिटी ये वाले सारे टाइप के आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय कल्याण के एम पांडुरंग नेक्स्ट है राज्य पर्यावरण और जलवायु विभाग ठीक है राज्य पर्यावरण और जलवायु विभाग की राज्य का पर्यावरण और जलवायु विभाग है तो उसके अध्यक्ष कौन है एस नारायण ठीक है उसके अध्यक्ष कौन है एस नारायण है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टार लगा लेना पूछा जा सकता है क्वेश्चन हरियाणा में बाल अधिकार आयोग क्योंकि बालकों के अधिकार का टीचिंग का क्वेश्चन है तो मैं भी पूछ लें क्योंकि टीचिंग में हम आ, जो बच्चों के राइट्स उस, है उसके ऊपर तो हम बिल्कुल स्पेशल पढ़ते हैं एक क्वेश्चन जरूर आता है ठीक है तो बाल अधिकार आयोग है उसके ज्योति बंदा है तो आपको याद रखना है ये ये बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष है ज्योति बंदा आपको इंपॉर्टेंट करके स्टार लगा के इसको याद कर लेना है ठीक है और महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई रेणु भाटिया तो ये दोनों ही याद रखेंगे महिला आयोग की अध्यक्ष हरियाणा में कौन है रेणु भाटिया है और महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है वो कौन है प्रीति भारद्वाज ठीक है तो उपाध्यक्ष कौन है प्रीति भारद्वाज महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है रेणु भाटिया ठीक है रेणु भाटिया आपकी क्या है अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष कौन है प्रीति भारद्वाज तो याद रखेंगे ठीक है पहली बनी थी हेमलता कश्यप क्योंकि महिला आयोग है तो इंपॉर्टेंट है पहली बनी थी हेमलता कश्यप ठीक है ध्यान रखेंगे ये फिर आपको याद रखना है महिला जो बाल विकास मंत्रालय है वो कमलेश ढांडा के पास है महिला बाल विकास मंत्रालय हैफेड है जो मैंने आपको बताया था कॉरपोरेशन ऑफ आपका जो इकोनॉमिकल वाला जो एग्री वो जो इंडस्ट्रियल क्या था ये आ, एक जो फेडरेशन थी आपकी तो इसका जो है हेड है, हैफेड का तो कैलाश भगत है हैफेड है के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है कैलाश भगत है ठीक है हैफेड के अध्यक्ष कौन है कैलाश भगत है मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही क्योंकि uh, मैम को क्लास लेनी है ना दस बजे तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट खत्म कर रही हूँ स्पीड किसी को ज्यादा तो नहीं लग रही क्योंकि एक्चुअली आज मेरा काम हुआ लेट खत्म तो मैं आपकी नौ बजे वाली क्लास ले नहीं पाई बट मुझे यह था कि uh, साढ़े नौ महीने लेनी है लेनी है तो हंड्रेड परसेंट लेनी है तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया फिर मैम का फोन आया कि दस बजे मैम एस एस टी क्लास है मैसेज आया हुआ था मैंने देखा नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ किसी को दिक्कत तो नहीं है ना ओके लग रही है स्पीड हम्म ओके okay लग रही है स्पीड इंदु नीचे फ्लैश हो रहा है यहां पर नंबर आप चेक कर लो हां ओलंपिक संघ में आपको पता ओलंपिक में मतलब कार्यकारिणी कमेटी होती है तो उसमें हरियाणा का किसे आ, मतलब इन्वॉल्व किया गया है तो याद रखना योगेश्वर दत्त को ठीक है तो ओलंपिक संघ में कार्यकारिणी जो कमेटी होती है उसका सदस्य बनाया गया है नोट अध्यक्ष ध्यान रखना सदस्य है तो उसका सदस्य बनाया गया हरियाणा से किसको भाई योगेश्वर दत्त को ठीक है किसको बनाया गया है योगेश्वर दत्त को उसका क्या बनाया गया है सदस्य बनाया गया है आपको ध्यान रखना है फिर आपका जो आयुष मंत्रालय है मतलब जो आयुष विभाग है ठीक है तो आयुष विभाग के जो महानिदेशक हैं वो साकेत कुमार हैं इंपॉर्टेंट है यू कैन मार्क द स्टार ठीक है star, हाँ, आ, तो ये क्या है आपका साकेत कुमार है आयुष विभाग के जो महानिदेशक हैं वो कौन है साकेत कुमार ठीक है ध्यान रखेंगे फिर ग्राम उदय जो ग्राम उदय जो योजना है खादी और ग्राम उदय योजना मैंने आपको करवाई थी तो खादी और ग्राम उदय योजना के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र लेताली हैं वो कौन है राजेंद्र लेतानी हैं आपको ध्यान रखना है ठीक है कौन है भाई तुम्हारा पड़ोसी साकेत कुमार नेक्स्ट है वन विभाग निगम तो वन विभाग के निगम के अध्यक्ष धर्मपाल गोंदर नॉट सो so इंपॉर्टेंट ठीक है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है भाई वेद प्रकाश यादव ध्यान रखना है फिलहाल आपका जो वीपी यादव है वीपी यादव बोलते हैं इनको शॉर्ट में वीपी यादव या जितना इंसान बड़ा हो जाता है उसके नाम की शॉर्ट उतना ही शॉर्टकट हो जाता है उसका नाम ये खास बात है ठीक है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वीपी यादव अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश यादव और पहले अध्यक्ष सबको पता होगा भाई ये दिया था आ, मतलब हरियाणा के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बयान दिया तो तो हाँ। सचिव तो भी याद रखना और अध्यक्ष भी आप क्या है याद रखेंगे फिर आपको ध्यान रखना चुनाव आयोग के आयुक्त तो चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो धनपत सिंह है ठीक है चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो कौन है भाई धनपत सिंह ठीक है चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो कौन है धनपत सिंह है याद रखेंगे चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह हरियाणा में साहित्य अकादमी का सबको पता है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सीएम होते हैं तो जो भी वर्तमान सीएम होगा वो ही साहित्य अकादमी का अध्ययन मतलब अध्यक्ष होगा और आई डोंट थिंक डों किसी को नहीं पता वो हमारे वर्तमान सीएम कौन है ठीक है तो अध्यक्ष कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता सीएम ही अध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष ध्यान रखना आपको साहित्य अकादमी का जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन हो गया है ठीक है अरे ये थोड़ी ना सीएम थोड़ी ना बदलता है सीएम कहां बदला आपका ठीक है साहित्य अकादमी का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है राणा तो बाकी फिर भी मैं चेक कर दूंगी आपको लग रहा है मैम बदल गया दो एंड तक तो बदला नहीं था तेईस आ चुका है मतलब अभी एक महीने में अभी मैं चेक कर लूंगी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ जाऊंगी ये बोल रहे हो ना आप चुनाव आयोग का अध्यक्ष वर्तमान हाँ साहित्य अकादमी सीएम होते हैं उपाध्यक्ष याद रखना राणा ओबराय और किसान आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र कुमार हैं ठीक है मेरे ख्याल से धनपत सिंह है बाकी फिर भी मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए चे, चेक कर देती हूँ बाय द वे मैंने सब चेक करे हैं हरियाणा चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ही है भाई धनपत सिंह ही, ही है एक कंटेंट के लिए पता नहीं मैं कितनी बार गूगल से बातें करती हूँ तुम्हें नहीं पता ठीक है एक एक नंबर आपका कितना मायने रखता आई नो तो डोंट वरी यही है ठीक है यही है आपको एक भी अपॉइंटमेंट में दे रही हूँ ना तो मैं तीन तीन बार गूगल से पूछती हूँ कि यही तेईस में यही है ना ऐसा तो नहीं है पिछले महीने हट गया हो बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाए तो मैं मतलब बहुत सोच सोच के इसीलिए आज लेट हुई हूँ हु, क्लास नौ बजे होनी थी थोड़ा बिजी थी फिर इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है ठीक है तो कोशिश रहेगी भाई कि कोई भी गलत ना हो क्वेश्चन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है और एक आते वो फ्लो में ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं बहुत ध्यान से बनाती हूँ जो कि रिसेंट होते हैं एक एक नंबर का सवाल होता है पेपर में आज की डेट में जो मैंने ये वीडियो बनाई है आज की डेट में यही अध्यक्ष हैं ठीक है अब इस वीडियो को कोई बच्चा छह महीने बाद देख रहा है छह महीने में कोई अध्यक्ष चेंज हो गया तो कोई ये ना कहे कि गलत लिखवा दिया अध्यक्ष ठीक है आज की डेट में दो दो तीन तीन बार क्रॉस वेरीफाई करके मैंने आपको लिखवाए हैं ठीक है भाई तो आज के लिए इतना ही काफी है क्लास छोटी थी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ अब कौन से हैं जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये भी बता देती हरियाणा साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष याद कर लेना फिर हरियाणा का चुनाव आयुक्त आप याद करेंगे ठीक है ये कोई नहीं पूछा करता विद्यालय शिक्षा बोर्ड वाले आयुष मंत्रालय का महानिदेशक आप याद करोगे ठीक है ओलंपिक का सदस्य जो बना है योगेश्वर दत्त ये आप याद करोगे फिर महिला आयोग के अध्यक्ष आप पक्का याद करोगे मैं और बता देती हूँ ये बीच वाले छोड़ सकते हो खास इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है पुलिस ना महाध्यक्ष जो ये सोनीपत वाला है सतीश बालन इसको पक्का याद करोगे ठीक है फिर ये लोकायुक्त पक्का याद करोगे राज्यपाल का सचिव आप पक्का याद करोगे ठीक है राज्यपाल नहीं पूछेंगे सबको पता है इतना भी आसान क्वेश्चन क्यों ही पूछेगा पेपर वाला ठीक है तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं गो सेवा आयोग के भी पूछ सकते हैं ट्रेंड में एक चीज होती है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है मुख्य सूचना आयुक्त ये तो हंड्रेड परसेंट पूछे जाएंगे जो फर्स्ट पेज पे हैं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जो फर्स्ट पेज वाले हैं तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो जरूर से जरूर पूछे जाने वाले हैं फर्स्ट पेज पे मैं हमेशा वही लिखती हूँ जो सबसे जरूरी होते हैं ठीक है ठीके? तो फर्स्ट पेज वाले तो जरूर पूछे जा सकते हैं सो गाइज होप सो यू लाइक द हरियाणा जीके सीरीज एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट कंटेंट टिल यूर टीजीटी स्क्रीनिंग बाकी हरियाणा जी के बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी चाहे वो ग्रुप सी का पेपर हो चाहे ग्रुप डी का हो चाहे अपकमिंग एस्टेट हो हरियाणा जी के करवाऊंगी पूरी बिल्कुल पूरी बिल्कुल जिसको बोलते हैं ठीक है बट फिलहाल टारगेट है टीजीटी स्क्रीनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते जाने का बाकी आप कमेंट कर देते हो तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता क्योंकि देखो आपको पता है कि मुझे हर क्लास को हरियाणा जी के तैयार करना होता है अब एक बच्चा पूछा था कि मैम आपका सब्जेक्ट कौन सा है तो मैं क्या ही बताऊँ मुझे खुद नहीं पता मेरा सब्जेक्ट कौन सा है मेरे सारे ही सब्जेक्ट हैं ठीक है सारे इन द सेंस वैसे आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश मतलब मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है लेकिन जो मुझे पहचान मिली है एक्चुअली मैं 2013 से साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ जब यूट्यूब पर साइकोलॉजी का कोई ऐप है भी नहीं था और तब से मैं ऑफलाइन साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो साइकोलॉजी मैं 2013 से पढ़ा रही हूँ साइकोलॉजी मेरा पैशन है आ, मतलब मेरी डिग्रीज नहीं है जैसे एक दो बच्चों ने पूछा मैम आपका सब्जेक्ट क्या है शायद आप नए जुड़े हैं तो आप नहीं जानते देखो मेरी जो पहचान है जो मेरा पैशन है जो मुझे सबसे ज़्यादा आता है तो वो साइकोलॉजी है टीचिंग एप्टीट्यूड है क्योंकि वो मैं 2013 से पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर बहुत मेहनत किया मैंने तो इतना मेहनत की मतलब यूट्यूब से आने से पहले तो पढ़ा पढ़ा के थक चुके थे साइकोलॉजी इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो साइकोलॉजी मेरा मुख्य सब्जेक्ट मैं कहूंगी लेकिन मेरा अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है ठीक है मेरा मेन जो है मतलब मेरा प्यार मेरा प्रथम वो लिटरेचर है इंग्लिश का तो वो है मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी ऑनर्स मैंने किया हुआ है इसलिए मैं हिंदी पढ़ा लेती हूँ कोई दिक्कत नहीं है जो भी तुम्हें पढ़ाती हूँ वो मैंने किया हुआ है पढ़ाई में ठीक है फिर हिस्ट्री क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑफलाइन अकेडमी चलाई है तो एस के बैचेज में मैं जी पढ़ाती थी तो जी में मुझे हिस्ट्री मिली हुई थी वहाँ पर तो इसलिए हिस्ट्री मैं पढ़ाती हूँ हरियाणा जी के मैंने खुद की बहुत तैयारियां कर रखी हैं इसलिए मैं हरियाणा जी के पढ़ाती हूँ तो वो मैं मैंने जब चैनल शुरू किया तो मैं हरियाणा जी के ही पढ़ाती थी बट गलती से साइकोलॉजी पढ़ा दी और बच्चों को साइकोलॉजी पसंद आई तो मैंने हरियाणा जी की छोड़ दी हरियाणा जी के एक शौक है भाई हरियाणा में रहते हैं तो शौक है बच्चों ने डिमांड किया तो बस मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया दोबारा और अब आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हो आजकल हरियाणा जी को तो इसलिए मुझे यह डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पे तो हरियाणा जी की सीरीज जरूर लाऊंगी तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा और जिसको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पैडागोजी में यदि आपके पास मेरा बैच है और फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं क्या ही करूं इतनी तो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ रोज़ मेरी मेरी जान सूख गई है तुम्हें पढ़ा पढा के फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया भाई एक बच्चे को नहीं आया बाकी तो बिल्कुल फुल ऑफ लेवल पे हैं ठीक है तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया आप जरा बताएंगे उन कमियों को कोशिश करूंगी दूर करने की क्योंकि मेरा टारगेट है मुझसे जुड़ा एक एक बच्चा वेल कॉन्फिडेंट हो एक एक बच्चा सिलेक्शन का हकदार हो तभी हमारा पढ़ाना सफल होएगा ना तो इस पढ़ाने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा ठीक है भाई सो so, आज के लिए इतना ही काफी है आज के लिए इतना ही काफी है हरियाणा जी के कोई मेरा बहुत मेन सब्जेक्ट नहीं है बस ये मेरी एक कोशिश है आप सब लोगों के प्यार के लिए क्योंकि आप सब लोगों को चाहत थी मैं पढ़ाऊँ एक बार दोबारा से क्योंकि तो मैंने पहले पढ़ाई थी बहुत सारे बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी तो बहुत डिमांड करी कर तो मैं बोल रही थी मेरे लिए बहुत इजी हो जाता जब आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख देते हो जैसे ये टॉपिक मैक्सिमम कमेंट में आया था अपॉइंटमेंट्स करवा दो मैम न्यू एक जरूर आता तो मैंने करवा दिया तो जो मैक्सिमम कमेंट में टॉपिक होता तो मैं उसी को पिक कर लेती हूँ अपना अगला टॉपिक तो मेरे लिए लिएजी हो जाता है चलो भाई ठीक है दक्षि किसके बोल रहे हो आप ठीक है, जैसे 99.9 परसेंट मैंने जो अपॉइंटमेंट्स हैं, बिजली वितरण निगम के हैं ना साकेत कुमार ठीक है डायरेक्टर जनरल ऑफ आयुष हरियाणा हैज बीन ट्रांसफर एंड पोस्टेड ये अभी की खबर है ठीक है एक दो महीने वाली तो ये आप चेंज कर लेना भाई जो आपका आयुष मंत्रालय वाला अध्यक्ष है इसको आप चेंज कर लेना ये अभी ट्रांसफर होके साकेत कुमार आ गए हैं ठीक है ठीके? तो आयुष मंत्रालय वाला जो है ना आयुष हरियाणा वाला डायरेक्टर जनरल आयुष हरियाणा प्लीज मेक इट करेक्ट तो ये अभी ट्रांसफर होके आ गए साकेत कुमार ठीक है तो साकेत कुमार आपका जो आयुष वाला है इसको अपडेट कर लेना एक क्वेश्चन को साकेत कुमार बट गूगल पे मैंने सर्च मारा दोनों दिखा रहा है ठीक है बट ये अभी डिटेल में जा रहे हैं तो अभी ट्रांसफर होकर अभी एक महीना तो ये आप चेंज कर लेना साकेत कुमार बाकी ऑल आर ऑथेंटिक ठीक है अब आपकी एस की क्लास है मैं शेड्यूल कर रही हूं मैम क्लास स्टार्ट करेंगे कहीं मत जाना कायम मत होना पढ़ते रहना सो बाय बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच हाँ स्पोर्ट्स वाला तो मेरे माइंड में भी है अगला टॉपिक क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर आता है ना स्पोर्ट्स में किसको कितनी धनराशि मिलती है ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में तो नेक्स्ट मेरा यही टारगेट है चलो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी डेट इज अचीवर्स एकेडमी दिस साइड निशा शर्मा योर फ्रेंड योर गाइड होप यू आर फाइन सो गाइस आज की वीडियो हरियाणा जीके की है क्लास नंबर 15 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 14 क्लास ऑफ हरियाणा जीके डेट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड टू हरियाणा सो क्लास नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको पता हरियाणा के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन हमेशा डेट्स के रिगार्डिंग आता है कि ये डेट ये डेट वो डेट या तो किसी वेलफेयर स्कीम्स की होती है या कोई स्पेशल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज होता है उसकी होती है तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा के विभाग और स्थापना दिवस मतलब हरियाणा के कौन कौन से स्पेशल डिपार्टमेंट है और कब कब उस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई है मतलब वो डेट आपको याद करनी है देखो फैक्चुअल है याद तो करना ही पड़ेगा एक क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ठीक है और ये पीडीएफ आपको अचीवर एकेडमी जो अपना अचीवर एकेडमी निशा शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है और टेलीग्राम किसी के पास नहीं ज्वाइन है तो चैनल का जैसे वीडियो अबाउट अबाउट सेक्शन होता है तो अबाउट सेक्शन में जाना वहां पर आपको टेलीग्राम इंस्टा दूसरा चैनल सारे लिंक मिल जाएंगे तो वहां से फॉलो कर लेना ठीक है तो ये क्लास मैं रिकॉर्ड ही कर रही हूँ जो लाइव आए ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स पर काम करूंगी क्योंकि आपको पता है हरियाणा जी की मैं रिकॉर्डेड सीरीज देती हूँ लेकिन जैसे ही मैं क्लास रिकॉर्ड करने आती हूँ मैं लाइव चला लेती हूँ कोई लाइव आता है ठीक है नहीं तो रिकॉर्ड हो जाएगी ठीक है तो हरियाणा के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और उनका डेट्स याद कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपका डिपार्टमेंट है द नेम ऑफ डेट डिपार्टमेंट इज एच ठीक है आपको पता हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है एचपीएससी अपनी पीजीटी की वैकेंसीज को लेके तो एचपीएससी एस्टेब्लिश हुआ था एक नवंबर 1966 ठीक है एक नवंबर 1966 को आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है एचपीएससी डिपार्टमेंट जिसको आप बोलते हो वो स्थापित हुआ था इंग्लिश में मिलेगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तो ध्यान रखेंगे एक नवंबर उन्नीस को फिर हरियाणा का परिवहन आयोग हरियाणा परिवहन तो वैसे ही बहुत फेमस है भाई हरियाणा शक्ति हरियाणा की बसें तो नॉन स्टॉप चलती हैं तो हरियाणा परिवहन निगम तो वैसे ही आपका फेमस है तो हरियाणा परिवहन आयोग की स्थापना हुई थी एक नवंबर उन्नीस अगेन ठीक है लेकिन यहां से क्वेश्चन है न, जो आपको याद रखना है हरियाणा परिवहन का जो नेशनलाइजेशन कर दिया गया था जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो ध्यान रखेंगे 1972 1972 में हरियाणा परिवहन का क्या कर दिया गया था भाई राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था ठीक है नेक्स्ट है हैफेड आपको पता काफी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। है, हैफेड की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन ठीक है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन ये मार्केटिंग की फेडरेशन है भाई हरियाणा के लिए जिसको हम हैफेड के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? ये एस्टेब्लिश हुई थी एक नवंबर 1966 सिक्सटी सिक्स एक नवंबर उन्नीस को ठीक है तो हैफेड याद रखेंगे मार्केटिंग फेडरेशन से रिलेटेड है फिर है हरियाणा कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक हरियाणा कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक इनकी स्थापना भी एक नवंबर उन्नीस को ही हुई थी ये सब नाइनटीन सिक्सटी सिक्स फिर फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हरियाणा में जो फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स एस्टेब्लिश हुई थी तो ये भी 1966 में हुई थी ठीक है तो 1966 में मेन क्या याद रखना है शुगर मिल था हरियाणा का कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक था हरियाणा का हैफेड था हरियाणा का परिवहन आयोग था और जो आपका एच है एच पी एस नॉट एच ध्यान रखेंगे तो ये सभी एक मतलब उन्नीस का एस्टेब्लिशमेंट है डेट कुछ की मैंशन है कुछ की नहीं ठीक है हाँ जो गूगल पे मैंशन थी मैंने कर दी फिर हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब हरियाणा का विद्युत प्रसारण निगम हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं हरियाणा का विद्युत प्रसारण पावर जनरेशन कॉरपोरेशन नाइनटीन नाइनटी सेवन ठीक है विद्युत प्रसारण आप इसको कह सकते हैं उन्नीस 19 अगस्त उन्नीस सौ ठीक है तो हरियाणा का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन या विद्युत प्रसारण निगम की यदि बात करें तो आपको ध्यान रखना है उन्नीस 19 अगस्त उन्नीस सौ रहेगा ये फिर ये इंपॉर्टेंट है ये आपका डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे इसको सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ठीक है सामाजिक न्याय और इम्पावरमेंट की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है आपको पता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1992, 1992 वेरी इंपॉर्टेंट है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट वाला जो है फिर रिन्यूअल एनर्जी डिपार्टमेंट आपको पता है आजकल ऊर्जा का नवीनीकरण है ये सब कुछ बहुत ट्रेंड में है तो ये भी डिपार्टमेंट आप याद कर लेना 1997 में आया था रिन्यूवल एनर्जी डिपार्टमेंट ठीक है ऊर्जा का जो नवीनीकरण करते हैं तो रिन्यूअल एनर्जी डिपार्टमेंट 1997 में फिर हरियाणा का स्पेशल आपको पता है हरियाणा में स्पेशल है उत्तर हरियाणा बिजली निगम तो उत्तर हरियाणा बिजली निगम तो बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है चार जुलाई उन्नीस ठीक है नाइनटीन नाइनटीन जुलाई उन्नीस नेक्स्ट है कल्चर आपको पता कल्चर ये जो आपका बागवानी प्रथा जो शुरू की गई थी तो कल्चर जो है वो रिलेटेड है किससे वो रिलेटेड है भाई वो डिपार्टमेंट किससे मतलब उसका ईयर क्या है 1990 से 91 वन से किनवे नाइन्टी कर सकते हो आप फिर ये आयोग इम्पोर्टेंट है स्टार लगा के मार्क कर लीजिए हरियाणा राज्य महिला आयोग हरियाणा राज्य में महिलाओं के लिए आयोग बना है 20 अप्रैल उन्नीस सौ निन्यानवे विद डेट आप इसको याद रखेंगे 20 अप्रैल उन्नीस सौ निन्यानवे क्या है भाई हरियाणा राज्य का महिला आयोग है तो इट्स इंपॉर्टेंट प्लीज रिमेंबर दिस नेक्स्ट हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है डेट इज एच जो कि आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है हरियाणा के सभी एग्जाम्स एच तो बहुत पहले से ही है लेकिन ये फैशन में तब आया जब ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाने लगा उससे पहले तो इंटरव्यू हो जाता था ये हो जाता था कुछ भी हो जाता था डायरेक्ट भर्तियां हो जाती थी ठीक है तो अट्ठाइस जनवरी नाइनटीन वैसे एस्टेब्लिशमेंट इसकी देख लो उन्नीस से एच है ये बात अलग है कि आप लोगों की नज़रों में अभी पाँच छः सात साल पहले ही आया है ठीक है तो हरियाणा चयन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एच बोलते हैं जो आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा अपकमिंग अपकमिंग लास्ट है ना हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट हरियाणा में एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है तो एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट है आपको ध्यान रखना है एक अगस्त 1969 को स्टार्ट हुआ था उन्नीस सौ को ये स्टार्ट हुआ था हरियाणा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिर हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग आपको पता हरियाणा में खादी ग्राम उद्योग इन सबका बहुत ज्यादा है तो ये शुरू हुआ था एक फरवरी नाइनटीन ठीक है एक फरवरी उन्नीस आपको ध्यान रखना है फिर हरियाणा हाउसिंग बोर्ड आपको पता है इसकी कॉलोनीज होती है मकान होते हैं तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो कॉपरेशन है वो 1971 में बना था 1971 में बना था आपको याद रखेंगे नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था तीन मई नाइनटीन ठीक है अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इतनी डेट्स कैसे याद करें तो आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चन दो तो आने ही है डेट के क्वेश्चन दो तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे तो एक दो बार रिवाइज करोगे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो हो जाएगी चीजें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है फिर हरियाणा का निर्वाचन आयोग जिसको आप इलेक्शन कमीशन बोलते हो हरियाणा का निर्वाचन आयोग जिसको आप इलेक्शन कमीशन बोलते हो 18 नवंबर 1993 ठीक है अट्ठारह नवंबर उन्नीस को हरियाणा का निर्वाचन आयोग जिसको आप इलेक्शन कमीशन बोलते हो ये शुरू हुआ था आपको पता होना चाहिए फिर है हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर द चाइल्ड वेलफेयर दिस इज इंपॉर्ट वन यू कैन मार्क ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हरियाणा के वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट जो बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम थी वो एक अप्रैल उन्नीस ठीक है एक अप्रैल उन्नीस वेरी इंपॉर्टेंट है यू कैन मार्क दिस तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना रश्मि वो रिवाइज थी वो रिवाइज थी स्टार्टिंग तब थी ठीक है दुर्गा शक्ति योजना की स्टार्टिंग 18 पे थी रिवाइज हुई थी 2023 में फिर है शिक्षा बोर्ड हरियाणा जो शिक्षा बोर्ड है जो आपके एसेट के एग्जाम कंडक्ट करवाता है हरियाणा का शिक्षा बोर्ड 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था एने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है हरियाणा का शिक्षा बोर्ड जब एस्टेब्लिश हुआ 1969 में तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़ था ठीक है इसका मुख्यालय कहां पर था भाई चंडीगढ़ था तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भिवानी ट्रांसफर कब किया गया था नाइनटीन में तो मेक श्योर sure आप इस क्वेश्चन को पक्का याद रखेंगे ठीक है हरियाणा भिवानी बोर्ड बोर्ड जो शिक्षा है हरियाणा का तो शुरू में चंडीगढ़ में, इसकी में हुई, भी एक डिपार्टमेंट बना गया आपको पता है इंडिया में, में बहुत सारे किशोर ड्रग्स एडिक्ट होते जा रहे हैं बहुत सारे तो ड्रग्स एडिक्शन की यदि बात करें तो ड्रग्स एडिक्शन का भी डिपार्टमेंट है जो कि एक जनवरी दो में बना ठीक है इसका यहाँ है एक जनवरी 2011 में ड्रग्स एडिक्शन का डिपार्टमेंट बना था ड्रग्स का रिलेटेड फिर अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट अर्बन जो शहरी लोकल बॉडीज होती हैं शहरी निकाय जिनको आप बोलते हो उनका डिपार्टमेंट बना है एक अप्रैल उन्नीस को यहाँ गलती कर देते हैं कुछ बच्चे एक हुड्डा है वो अलग है ये लो, शहरी निकाय है ये लोकल बॉडीज़ है और हुड्डा वाला जो है हरियाणा कॉपोरेशन ई स्टेट वाला है ठीक है तो तो वो आगे आएगा, मत होना। ये हरियाणा हरियाणा का का है, है, ध्यान रखना। आए तो 1982 अप्रैल। फिर आपको पता पीछे हार्ट का बड़ा चला था, जो computerized, कुछ एजुकेशन सॉफ्टवेयर uh, इन पर काम किया था तो हरियाणा हार्ट्रोन इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार हार्ट्रोन का फुल फॉर्म क्या होता है तो हार्ट्रोन का फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट

हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी थैंक यू कोमल हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड इंपॉर्टेंट वन है 22 दिसंबर 1985 1985 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका ध्यान रखेंगे फिर हरियाणा में आपको पता है खेती का बहुत ट्रेंड है तो खेती का ट्रेंड है तो सीड्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है अब सीड्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है तो सीधी सीधी सी बात है सीड्स के लिए भी एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था ठीक है हरियाणा सीड सर्टिफिकेट एजेंसी तो एक सप्टेम्बर नाइनटीन सेवेंटी में हरियाणा की सीड्स के लिए भी स्पेशल एक एजेंसी बनाई गई थी कि ये डिपार्टमेंट है ना सीट्स को चेक करेगा कौन कितना सीड्स कैसे देते हैं वो चीज ठीक है हरियाणा भंडार ग्रेन निगम भंडार ग्रे मतलब एक ग्रेनरी टाइप स्टोरेज हाउस आ, यू कैन से इस तरीका का है ये 19 अगस्त 1979 ठीक है 19 अगस्त 1979 को एस्टेब्लिश हुआ था ये फिर हरियाणा का अर्बन स्टेट डेवलपमेंट है जिसको आप हुड्डा बोलते हो ठीक है हरियाणा का अर्बन स्टेट डेवलपमेंट है ये हुड्डा है आपको पता हुड्डा एजेंसीज हैं ये कि हुडा में आप घर लेते हो प्लॉट लेते हो तेरह जनवरी नाइनटीन सेवन ठीक है तेरह जनवरी नाइनटीन सेवन फिर है सूचना आयोग सूचना आयोग इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट होता है ये इंपॉर्टेंट वन हो सकता है ध्यान रखना 1969 में आपका आया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन हरियाणा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपको पता है मेवात हरियाणा का कैसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है तो मेवात की डेवलपमेंट के लिए भी एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया हरियाणा में मेवाद के के बच्चे स्पेशल ध्यान रखेंगे नाइनटीन में मेवात विकास बोर्ड को क्या किया गया भाई एस्टेब्लिश किया गया था ठीक है तो ये हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे जहां से मे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कल हम करेंगे हरियाणा के इंपोर्ट डिपार्टमेंट्स मतलब तो तो के जो अध्यक्ष लिए रजनी कह रही है सभी लाइक कर दो रजनी छोड़ो जिसको अच्छी लगेगा लाइक कर देगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ लेकिन जिसको इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो आप चैनल का हिस्सा जरूर बने क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ मिलने वाली पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दी है मतलब कर दूंगी आफ्टर द क्लास जिसकी पीडीएफ नहीं खुलती तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट वो उसके फोन की सेटिंग की प्रॉब्लम है मैं पीडीएफ प्रॉपर भेजती हूँ नहीं तो ये यूट्यूब पे ही तो वीडियो है यू कैन टेक द स्क्रीन ठीक है तो आप स्क्रीन शॉट लेके रीराइट भी कर सकते हो सो बाय बाय टेक केयर वीडियो कैसी लग रही है हरियाणा जी की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और बिकॉज आई लव टू तो रीड यूर कमेंट्स एंड गिव हार्ट टू कमेंट्स मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना ठीक है तो कमेंट जरूर करें आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कितनी हेल्पफुल आपके लिए हो रही है और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी हरियाणा के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जब तक मेरी हरियाणा जी कंप्लीट होगी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो कोशिश इस तरीके से रहेगी बाय टेक केयर थैंक यू सो मच रात नौ बजे मिलेंगे टीचिंग एप्टिविटी